हेलो, नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट वुगली क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? अरे भाई बोलो, मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, हर हर वुगली, घर घर वुगली। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। बेटा देखिएगा, हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं नॉर्सेट 2021 का, और नॉर्सेट 2021 एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है। और याद रखिएगा, एम्स दिल्ली में बेटा क्लिनिकल पोर्शन ज्यादा आने वाला है, यानी पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो ना तो सिंगल लाइनर रहेंगे और ना ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो बहुत ज्यादा लेंदी होंगे। दिल्ली का जो पेपर होता है, एग्जाम होता है बच्चों, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, मीन्स प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन होता है, जो हम लोगों को वहां जाकर के वर्क करना है ना, उसी तरह का पेपर आपका होता है। इसका मतलब सीधा सा मैं आपको समझा देता हूं, उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करिएगा जो क्लिनिकल से रिलेटेड होते हैं, और डायरेक्टली ऐसे को ऐसे टॉपिक पढ़िएगा बच्चों जो फंडा से रिलेटेड है। फंडा से रिलेटेड करके और क्लिनिकल पोर्शन से रिलेटेड टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करें, और प्योर क्लिनिकल जो आपका सब्जेक्ट होता है वो मेडिकल सर्जिकल होता है, और मेडिकल सर्जिकल के अंदर से भी आपको वो चीजें ज्यादा फोकस करनी है बच्चों, जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वाली टॉपिक्स हैं, जो आपके क्लिनिकल वाले टॉपिक्स हैं। तो ज्यादातर जो पेपर का सिनेरियो होता है वो ऐसा होता है ना कि आपको ये सिचुएशन क्रिएट करेगा तो आप क्या करेंगे। तो पेपर के पैटर्न को समझ के तैयारी करो बेटा। सिलेक्शन तो 15 डेज में भी पॉसिबल है, 15 दिन में भी पॉसिबल है, लेकिन निर्भर इस बात पर करेगा कि आपने ये 15 दिन किस प्रकार से वेस्ट किए हैं, किस प्रकार से खर्च किए हैं। अगर आपने अपनी इस जर्नी को प्लान्ड कर रखा है तो डेफिनेटली आप इसे निकाल लोगे, और यदि अगर अनप्लान्ड तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, यानी आपका कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी उठ करके आप साहू सर की क्लास देखने लग जाते हो, कभी भी उठ करके आप एमएसएन पढ़ना शुरू कर दोगे, कभी भी आप फंडा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो बेटा हमारे ब्रेन के अंदर कंफ्यूजन रहेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि पढ़ने का फॉर्मूला डिसाइड करिएगा कि आप फॉर्मूला आपको इन 15 से 20 दिन में यूज करना है। वो फॉर्मूला डिसाइड होने के बाद उस पे काम करना शुरू करिएगा। बच्चों मैं आपके साथ हूं, और आपको डेफिनेटली यहां से सिलेक्शन का 100% स्ट्रेटेजी मैं सिखा दूंगा। लेकिन याद रखो, सिखाने का महत्व तब ही होता है जब शिष्य उस पर अमल कर रहा हो, शिष्य उसको फॉलो कर रहा हो। अगर शिष्य फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब टीचर का इतना बक बक करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, टीचर की नॉलेज का कोई मतलब नहीं निकलता है। बच्चों याद रखो, सबसे पहले मैंने बात बोली है प्लांड करिए। अगर आप अनप्लांड मिस्ट्री जीतना चाहते हो तो नहीं आ रहा है। चलो आ रहा है ना, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करना है कि इन 20 डेज में हम लोगों को जो कुछ भी करना है वो सब प्लांड तरीके से करना है, अनप्लांड नहीं करना है बेटा। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि मैं क्या समझा रहा हूं। अगर हम मिस्ट्री को प्लान करके जीतने की कोशिश करेंगे तो हम उस मिस्ट्री को लगभग 50% खेलने से पहले ही जीत जाएंगे। तो आज ही आपको सबसे पहला काम करना है कि अपनी ये 15 से 20 डेज की जर्नी को प्लान करिएगा। बिना प्लान की अगर आप कोशिश करेंगे करने की, तो
तो शायद आप नहीं कर सके। लेकिन यदि बेटा अगर प्लान करके किया ना तो डेफिनेटली रिजल्ट निकाल लोगे। 15 से 20 डेज एग्जाम के लिए बहुत होते हैं। आपने पूरे साल भर क्या किया है, कितनी पढ़ाई करी है, कितनी नहीं करी है, सिलेक्शन इस बात पर निर्भर नहीं करता है। सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने ये 20 डेज लास्ट टाइम क्या किया है। क्योंकि याद रखिएगा, हमारे ब्रेन के अंदर रिटेनिंग पावर लास्ट पॉइंट पर 10x हो जाती है, 10 गुना हो जाती है। एक तो जब आपका दिमाग जब चलता था, जब कोई एग्जाम नहीं था, तो आप इतना सीरियसली उन चीजों को नहीं लेते थे, उतना पढ़ते थे जितना आपको कंफर्टेबल लगता था। लेकिन मुझे पता है कि आज अगर आपको अनकंफर्ट भी लग रहा है, नींद भी आ रही है या भूख भी लगी हुई है, तो भी आप पढ़ रहे हैं। यानी आज हम बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्लियर। और मैं भी पूरे सुपर लेक्चर, दो दो ढाई ढाई घंटे के सुपर लेक्चर्स आपको करवा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में वुगली MCI कैरियर इंस्टीट्यूट, मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर, आपका करियर गाइड, आपको दोस्तों आज ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा गैस्ट्रोलॉजी के, जिनमें से 100% आपको अगर गैस्ट्रोलॉजी आया तो ये मान के चलें कि मेरे लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। बच्चों याद रखना, हर लेक्चर को प्लान करो, हर क्लास को प्लान करो। और याद रखना बच्चों, जो कंटेंट्स, जो लेक्चर्स, जो क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूं, दे आर वेरी एक्सीलेंट। और ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। आज आपको सीखने को मिलेगा कि क्या पैटर्न रहता है डेलियम्स का। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है और उस क्वेश्चन को देख करके और आप जज करिएगा, क्या इसी प्रकार के क्वेश्चन दिल्ली एम्स के अंदर, नॉर्सेट के अंदर पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन सोल्व करिएगा। नंबर वन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड टू प्रिजर्व द बायोप्सी स्पेसिमेन। क्या क्वेश्चंस का लेवल इसी तरह का देखा है आपने? बायोप्सी स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है? डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं दो बातें यहां पर बताता हूं कि क्वेश्चन लेंदी नहीं है, क्वेश्चन लेंदी नहीं है, क्वेश्चन का लैंग्वेज भी बड़ा सिंपल है, राइट। लेकिन खास बात क्या है कि क्वेश्चन क्लिनिकल है, डेली बेसिस पर काम आने वाला क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड बच्चों, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे और यू नो दैट वेरी वेल। बहुत अच्छा आंसरिंग आप लोग कर रहे हैं बेटा। और अगर आज के 500 क्वेश्चंस के जवाब अगर आपने दे दिए तो समझो गैस्ट्रोलॉजी आपकी प्रिपेयर है। एक ही क्लास के अंदर एक यूनिट आपकी तैयार करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं और यही कॉन्सेप्ट आपको नॉर्सेट तक फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया है? तो याद रखिएगा, 10% फॉर्मलिन यूज किया जाता है बेटा बायोप्सी स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए। स्टार मार्क कर लीजिए आप। अंडरस्टैंड? दूसरा क्वेश्चन आप करिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लेस द स्टेप फॉर एन ऑस्टोमी पाउच चेंज इन द करेक्ट ऑर्डर। ऑस्टोमी पाउच को चेंज करने का सही ऑर्डर आपको बताना है कि जब हम किसी को, बच्चों अगर यूरोलॉजी से रिलेटेड ऑस्टोमी क्रिएट करते हैं तो उसको हम यूरोस्टोमी कहते हैं, और यदि अगर आप GIT से रिलेटेड ऑस्टोमी क्रिएट करते हो तो उसको आप कोलोस्टोमी कहते हो। तो जब आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन को समझिएगा और फिर जवाब दीजिए कि ऑस्टोमी पाउच चेंज करना है आपको। क्या करना है? चेंज करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? पहला, क्लोज द एंड ऑफ द पाउच, मेजर द स्टोमा, कट द होल इन द वेफर, प्रेस द पाउच इनटू द प्लेस ओवर द स्टोमा, रिमूव द ओल्ड पाउच, ट्रेस द करेक्ट मेजरमेंट ऑन टू द। सबसे पहले ये पहचानना होगा आपको, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ये नॉर्सेट लिख लीजिएगा बेटा, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि मेरा पहला स्टेप क्या होगा। अब मैं जानता हूं कि जब मैं इस तरह का क्वेश्चन करूंगा तो मुझे पता है कि सबसे पहले क्लोज द एंड ऑफ पाउच, सबसे पहले पाउच के एंड को क्लोज करना होता है। और अब मैं देख लूंगा कि कौन कौन से ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहला है, वन में भी है, टू में, थ्री में, तीनों ऑप्शंस में फर्स्ट है भैया, तो अभी मेरा आंसर का कोई आइडिया मुझे नहीं हुआ। अब मैं देखूंगा मेजर द स्टोमा, दूसरा स्टेप होता है बेटा स्टोमा की साइज मेजर करना।
अंडरस्टैंड, तो मैं देख लूंगा कि दूसरा नंबर का सीक्वेंस जो है वो कौन से ऑप्शन में है, तो मैं देखता हूँ फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, थर्ड में नहीं है, तो थर्ड तो हो गया गलत। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कट द होल इन द वेफर, वेफर के अंदर एक होल कट करना होता है। अब मैं देख लूंगा थर्ड ऑप्शन किस में है, 1, 2, 3 इसमें आ रहा है, 1, 2, 5 इसमें नहीं आ रहा है, तो मेरा तीन ही ऑप्शन देखने के बाद में आंसर आ जाएगा और पहला ऑप्शन ही वो स्टेप होगा कंफर्म। गैस करके भी मैं बता सकता हूं, अगर आगे भी क्वेश्चन को सोल्व ना करूं तो भी मैं बता दूंगा बेटा कि याद रखिएगा, सबसे पहले मेजर द स्टोमा, क्लोज द एंड ऑफ स्टोमा, मेजर द स्टोमा, कट द होल इन द वेफर, प्रेस द पाउच इनटू प्लेस ओवर द स्टोमा, देन फोर्थ स्टेप, देन रिमूव द ओल्ड पाउच, ट्रेस द करेक्ट मेजरमेंट ऑन टू द बैक ऑफ द वेफर और ऑब्जर्व द स्टोमा एंड द स्किन अराउंड इट, और क्लीन एंड ड्राई द पेरिस्टोमल स्किन। अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर है? तो ये 8 स्टेप्स होती हैं जिनसे कि जिन स्टेप्स में, जिस सीक्वेंस में आप स्टोमा पाउच को चेंज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, लॉक कर दूं, क्रिस्टल क्लियर है? आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन ज्यादा करना है, अंडरस्टैंड? तो सिंपली मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि बाकी सब्जेक्ट्स जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, यानी कि अभी वैसे सीक्वेंशियली अपनी क्लासेस जो चल रही हैं 1x1 करके हर लेक्चर आएगा, लेकिन जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं भाई, मेरी क्लास तो 1 घंटे ही आती है, 2 घंटे 2.5 घंटे आ रही है आजकल, तो 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर होता है। अब 2 से 2.5 घंटे के बाद पूरे दिन आप फ्री हैं, तो पूरे दिन आप ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिएगा जो क्लिनिकल प्रायोरिटी बेसिस के क्वेश्चंस हैं। अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, अ हाइटल हर्निया इज कॉज्ड बाय, हाइटल हर्निया कैसे होता है? पुट योर आंसर, इज अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाइटल हर्निया का कारण क्या है, वीकनेस ऑफ द डायफ्रामेटिक मसल और इंक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, और वीकनेस ऑफ द डायफ्रामेटिक मसल एंड इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और एल्कोहल कंजप्शन। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। दिल तू संभल जरा, सिलेक्शन लेके चला है तू। बच्चों याद रखिएगा, जो लोग ऑल ऑफ द अबो आंसर कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग द राइट आंसर, ये करेक्ट आंसर नहीं है। हाइटल हर्निया में डायफ्रामेटिक मसल्स तो वीक होती है, ये बात तो सत्य है, लेकिन इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है, ये बात सत्य नहीं है। दोस्तों याद रखना, जो हाइटल हर्निया होता है, हाइटल हर्निया होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बढ़ने से। अंडरस्टैंड गाइस, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एल्कोहल कंजप्शन का इसमें कोई रोल नहीं होता है, इसलिए याद रखना, आपको जब क्वेश्चन सोल्व करना है तो बहुत सावधानी से क्वेश्चंस को करना बेटा, जल्दबाजी नहीं करना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर मे कॉज इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर और पुशेस द लोअर पोर्शन ऑफ स्टोमक इनटू द थोरेक्स। यानी कि हम यही तो कह रहे हैं कि हाइटल हर्निया जो होता है, अगर मैं आपसे यह कह देता सिंपली इस लैंग्वेज को ना लिख करके और इतना सा बोल देता कि हाइटल हर्निया कौन सी कंडीशन में हो सकता है, तो आपको क्या पहचानना है, मे कॉज इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर और दैट पुशेस द लोअर पोर्शन ऑफ स्टोमक इनटू द थोरेक्स, और स्टोमक के लोअर पोर्शन का थोरेक्स में आ जाना ही तो हाइटल हर्निया होता है। तो क्या कॉन्स्टिपेशन है, अब्डोमिनल पैरालिसिस, हेपेटाइटिस या ओबेसिटी? शाबाश शाबाश, पुट योर करेक्ट आंसर गाइस। व्हाट इज द राइट आंसर इन केस ऑफ द, भैया बब्बर शेरो ध्यान से करना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और एक एक क्वेश्चन आपको आज ये महसूस कराएगा कि आप नॉर्सेट दे रहे हो, एक एक क्वेश्चन ये महसूस कराएगा बेटा कि नॉर्सेट ही दे रहे हैं हम, और जो नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न होता है डेफिनेटली वही पैटर्न के क्वेश्चन आप करेंगे आज, तो बहुत ही ध्यान से करते रहिएगा। काफी सुंदर पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आज का। बच्चों याद रखिएगा, ओबेसिटी एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा फैक्टर है दोस्तों, दैट विल इंक्रीज द इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, जो एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाता है और इस कारण से स्टोमक का लोअर पोर्शन हर्नियट होकर के थोरेक्स में चला जाता है,
और स्टोमक के लोअर पोर्शन का हर्निएट होकर थोरेक्स में जाना ही क्या कहलाता है, हाइटल हर्निया। क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन सिम्टम ऑफ हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया का कॉमन सिम्टम क्या है, इसोफेजियल रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल पेन, फ्लैटुलेंस, एनोरेक्सिया या वॉमिटिंग? व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस, पुट द राइट आंसर। एक एक सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, शाबाश। और याद रखना बेटा, हाइटल हर्निया का कॉमन सिम्टम पूछा गया था। हाइटल हर्निया का कॉमन सिम्टम है बेटा इसोफेजियल रिफ्लेक्स, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस पेशेंट को होने वाला है। क्लियर हो गया है, ए ऑप्शन राइट आंसर लगाना था हम लोगों को। क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना? अरे भाई बोलो बब्बर शेरों, यहां तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ू, लॉक कर दू क्या? केशव कुसुम, बात समझ में आ गई ना बच्चों? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लाइंट विद द राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, कहां पर हो रहा है पेन? आर एल क्यू में पेन हो रहा है। एनोरेक्सिया भी है इसको, नोजिया भी है और लो ग्रेड फीवर भी है। क्या है बेटा? फीवर भी हो रहा है और एलिवेटेड व्हाइट ब्लड सेल काउंट और डब्ल्यू बी सी काउंट तो बढ़ ही गया है, तो सिंपल सा मैं समझ गया इन्फेक्शन है। तो क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस, सिरोसिस या हेपेटाइटिस? पुट द राइट आंसर। देखना, समझ जाओगे आज की नॉर्सेट का पैटर्न क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा लेंथी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन बड़ा सिंपल भी है, लेकिन क्लिनिकल सिनेरियो पे आधारित है। और हम लोगों को वही क्वेश्चन प्रेफर करना है अभी ज्यादातर। और सारे क्वेश्चंस देख लो बेटा, मेडिकल नॉलेज, थैंक यू सो मच डियर, लव यू। याद रखना बेटा, हमें उन क्वेश्चंस को प्रेफर करना है जो क्लिनिकल सिनेरियो पर आधारित क्वेश्चंस हैं और जो हमारे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल पे आधारित है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम के अंदर, दिल्ली एम्स के एग्जाम के अंदर, और दिल्ली एम्स नॉर्सेट जो है वो दिल्ली एम्स ही प्लांट करता है, तो उसी के पैटर्न को आधार मान करके सोचना शुरू करो। इन 15 से 20 दिन में भी आप सिलेक्शन निकाल लोगे, क्योंकि पहले कितनी पढ़ाई करी है दैट इज नॉट मैटर, बट अब क्या करोगे दिस इज द मैटर। तो मैंने हमेशा से कहा है कि स्टडी को प्लांट करके करना चाहिए, कोई भी टारगेट है उसको प्लांट करो। बिना प्लांट के अगर टारगेट को आप फायर करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। क्लियर हो गया है? तो याद रखना बेटा, क्वेश्चन जो कह रहा था उसमें क्या कह रहा, आर एल क्यू में पेन हो रहा है, तो यहीं से तो मैं समझ गया था भैया, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, मैं समझ गया था कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्रिस्टल क्लियर है बेटा? वोगली है तो मुमकिन है, हर हर वोगली, घर घर वोगली, लव यू गाइस। नेक्स्ट देखिएगा, अ फीकलिथ, फीकलिथ इज अ फीकल कैलकुलस और स्टोन। फीकलिथ क्या होते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन याद रखना, सीएचओ के लिए भी बता देता हूं आने वाले टाइम पे। फीकोलिथ या फीकल कैलकुलस को क्या कहते हैं, स्टोन को क्या कहते हैं, फीकोलिथ, दैट ऑक्लूड द ल्यूमेन ऑफ द अपेंडिक्स और इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ। इसने क्या करा, अपेंडिक्स की ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ऑक्लूड कर दिया, बंद कर दिया, एंड इज द मोस्ट कॉमन कॉज। और फीकोलिथ किसका मोस्ट कॉमन कॉज है, कॉलन कैंसर, अपेंडिसाइटिस, पाइल्स या डाइवर्टिकुलोसिस? और अगेन आप सबका सुंदर सा आंसर है, वेरी गुड, शाबाश, फीकोलिथ इज द मोस्ट कंसर्न कॉज ऑफ द अपेंडिसाइटिस। क्रिस्टल क्लियर हो गया है बब्बर शेरों? तो फीकोलिथ या फीकल कैलकुलस या स्टोन, दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द अपेंडिसाइटिस, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर है? आज आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप नॉर्सेट दे रहे हैं। आ भी रहा होगा ना, अरे आ रहा होगा ना, क्वेश्चंस का जो पैटर्न हम देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा पैटर्न देख रहे हैं बच्चों जो एग्जाम में नॉर्सेट के अंदर आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पेन विद अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के पेन का क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, किस तरह का पेन होता है? रीड द फोर ऑप्शन एंड पुट द राइट आंसर। चार ऑप्शन,
कल बहुत मिस किया सर आपको, क्लास नहीं लिया। संडे को क्या प्लान करना पड़ता है, और आप जानते हो ना मैं बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं पढ़ाता, मेरा सब कुछ प्लान्ड होता है। मतलब मुझे अगर 4 क्वेश्चन पढ़ाने हैं ना तो 4 ही पढ़ाऊंगा, और संडे को मैं पूरे वीक की प्लानिंग करता हूँ। इसलिए संडे को मैं कभी भी क्लास नहीं लेता ज्यादातर, क्योंकि वो दिन होता है आगे के वीक को प्लान करने का। और अब मेरा पूरा वीक प्लान हो चुका है, कल मैंने कर लिया है कि मुझे 7 डेज क्या करना है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो पढ़ना है। अब नॉन स्टॉप क्लासें आएगी अब, ठीक है? तो बताइएगा भैया, क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपेंडिसाइटिस का पेन आपसे पूछा है तो जवाब बहुत सोच समझ के देना बेवकूफों। अरे सही से आंसर दो भैया, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, सोच समझ के आंसर दो, सही से दो, ढंग से दो। बच्चों क्वेश्चन पे लगाओ पहले तो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ से शुरू होता है? बिगिन्स इन द हाइपोगैस्ट्रिक और पेरी अम्बिलिकल रीजन, देन शिफ्ट टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट और बिकम स्टेडी। बिगिन्स इन द लंबर और पेरी अम्बिलिकल रीजन, देन शिफ्ट टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट। अरे यार क्या लंबर एरिया से शुरू होता है क्या पेन? ये देखो यहां से थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करो आप, थोड़ा सा समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज को। जब आपको मैंने क्वाड्रेंट्स पढ़ाए थे तब क्या बोला था कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स में ये 9 रीजंस जब बताता हूं मैं, तो सबसे पहले 9 रीजंस की बात करते हैं। तो 9 रीजंस में ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, ये सॉरी अम्लाइकल रीजन, राइट, ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। और क्या आप ऐसा जानते हो कि ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है? क्या आप ऐसा जानते हो कि ये हमारा जीआईटी है और ये जीआईटी में लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहां पर आप जानते होंगे यहां पर होता है अपेंडिक्स। क्या होता है बेटा? अपेंडिक्स, क्लियर है? तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। क्रिस्टल क्लियर हो गया? तो अब देखो ध्यान से, अब देखो। अरे यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, वो भी गलत हो गया ना। और अपने को इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, बहुत सोच समझ के करना है, काफी अच्छे से करना है। तो मैंने कहा, कह रखा है आपको हमेशा से कि भैया याद रखना, जो दर्द शुरू होता है अपेंडिक्स का वो कहाँ से? पेरी अम्बिलिकल से शुरू होता है, और कहाँ जाता है बेटा? आशीष के पास जाता है। कहाँ जाता है? आशीष के पास। आशीष को जानते हो? आशीष को जानते हो ना, सिंपल तरीके से याद रखना। पेरी अम्बिलिकल से शुरू होके किसके पास जाता है दर्द? दर्द आशीष के पास जाता है, एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन के पास। किसके पास? आशीष के पास जाता है, एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन के पास जाता है। और एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन और पेरी अम्बिलिकल दोनों को मिलाकर बीचों बीच एरिया में अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, यहां पर पॉइंट लगाया जाए, तो इस पॉइंट को मैक बर्नी पॉइंट के नाम से जानते हो आप। क्या कहते हो? मैक बर्नी पॉइंट। और अगर मैं क्वेश्चन पूछ लेता कि सबसे इंटेंस पेन कहाँ होता है, सबसे इंटेंस पेन होता है, इंटेंस पेन होता है दोस्तों मैक बर्नी पॉइंट पर। अंडरस्टैंड? पढ़ रखा है आपने? तो मोस्ट इंटेंस पेन मैक बर्नी पॉइंट पर होता है। और मैंने क्या करा, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ऑप्शन लिख दिए, डायरेक्ट नहीं लिखा मैंने कि पेरी अम्बिलिकस से और मैक बर्नी, पेरी अम्बिलिकस से आशीष, ऐसा नहीं लिखा मैंने। थोड़ा इसको डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए क्या करा, 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड किया, और 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके और क्या बोल दिया आपको, बस आप इसी चीज में फंस गए। मैंने कहा कि भैया बिगिंस इन द एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम एरिया से शुरू होता है या पेरी अम्बिलिकल रीजन से शुरू होता है, देन शिफ्ट टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट। कहाँ शिफ्ट होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट और बिकम एसटीडी। सो द सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया है? जबकि अब आपको पता था ना
जबकि आपको पता था कि अपेंडिसाइटिस पूरा पढ़ रखा है आपने बहुत ढंग से और काफी सिंपल टॉपिक है, हर किसी को आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई किया जा सकता है कि आते हुए भी आप में से लगभग 50% स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देंगे। व्हाई? डिपेंड करता है क्वेश्चन को मॉडिफाई करने वाले पर। अगर उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ऐसा एक नया रूप दे दिया ना, तो हम वही लैंग्वेज, वही सिंपल डिजीज का क्वेश्चन जो अक्सर हम लोग यूं ही बता देते हैं, लेकिन हम एग्जाम में उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया है बेटा? ध्यान से सोल्व करो वुगली के क्वेश्चन से। दिस पोजिशनिंग सपोर्ट टू डायग्नोस, ये जो आप पोजिशनिंग देख रहे हैं, ये कौन से पेशेंट्स का पोजिशनिंग है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है और नॉर्सेट हूबहू आज की क्लास में आप महसूस करोगे। तो देखो बेटा, जवाब दीजिएगा कि ये जो पेशेंट का पोजीशन आप देख रहे हैं, ये कौन से टाइप की डिजीज को डायग्नोस करने में हमें सपोर्ट कर रहा है? मींस इट सपोर्ट्स टू डायग्नोस विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी गुड, शाबाश। और ये तो तुम देखते ही समझ गए, इस पोजीशन में अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स को दर्द कम होता है। अंडरस्टैंड? तो याद रखना बच्चों, अगर कोई क्लाइंट जो है वो दर्द के मारे इस वाली पोजीशन में लेटा हुआ है, अपने दोनों नी जो हैं वो चेस्ट पे लगा रखे हैं, तो दिस पोजीशनिंग इंडिकेटिंग द अपेंडिसाइटिस। अंडरस्टैंड गाइस? क्रिस्टल क्लियर है ना? तो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्रिस्टल क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को थ्योरेटिकली देखना। लाइंग स्टिल विद द लेग ड्रॉन अप टुवर्ड्स द चेस्ट, जो अभी मैंने इमेज दिखाया था उसको, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? Helps to relieve the tension on the abdominal muscle. इस पोजिशन से क्या फायदा होता है? तो अगला क्वेश्चन मार्क करना बेटा। This position helps to relieve the tension on the abdominal muscle. सारे क्वेश्चंस जो है ना, वो खुद मेरे इन सुंदर हाथों से बनाए हुए हैं बेटा, किसी किताब के क्वेश्चन नहीं है, सबसे बड़ी खास बात। और जब क्वेश्चन खुद बनाते हैं ना, तो ये मान के चलो ना कि एग्जाम को दिल से महसूस करते हैं, तब जाके क्वेश्चन बनते हैं। एक एक क्वेश्चन खुद बनाया हुआ है, तो समझो आप कि नॉर्सेट जो है ना वो क्रैक होगा ही होगा बेटा, दिल से बना रखा है। मतलब बैठ के शांत माहौल में कमरा बंद करके और फिर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, और कल पूरा संडे लगाया है एक क्लास को बनाने। क्लियर है ना? तो ध्यान से सोल्व करना बेटा। तो क्या करता है ये पोजिशन? लाइंग स्टिल विद द लेग ड्रोन अप टूवर्ड्स द चेस्ट हेल्प टू रिलीव द टेंशन ऑन एब्डोमिनल मसल, और इस कारण से विच हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट फेल्ट इन दिस पोजिशन। मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है उस इमेज का, और आपसे कहा है, वो आपसे बोला है कि जस्ट विच हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट फेल्ट इन कौन सी कंडीशन में? गैस्ट्राइटिस में, अपेंडिसाइटिस में, सिरोसिस में या हेपेटाइटिस में? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मार्क कर लेंगे इसको हम 7-स्टार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आज की क्लास का आपका। बच्चों हम सिंपल सा अभी जो आपको इमेज करवा रहे थे, ये इमेज जो आप देख रहे थे बेटा, इसी इमेज का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ दिया और इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया। मैंने यहाँ पर आपको इमेज बेस से इस क्वेश्चन को पूछा कि दिस पोजिशनिंग यूज टू सपोर्ट टू डायग्नोस द, तो आपने कह दिया सर अपेंडिसाइटिस। फिर मैंने कहा उसी इमेज के बारे में कि व्हेन द पर्सन इज लाइंग स्टिल विद द लेग ड्रोन अप टुवर्ड द चेस्ट और हेल्प टू रिलीव द टेंशन ऑन द एब्डोमिनल मसल, ऐसी पोजिशन के कारण क्या होता है? एब्डोमिनल मसल्स पे से टेंशन कम हो जाता है, और इस वजह से विच हेल्प टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द डिस्कम्फर्ट फेल्ट इन कौन सी कंडीशन में? तो हमें कहना था सर अपेंडिसाइटिस में। सवाल एक ही है बेटा, लेकिन उसको पूछने का अंदाजा अलग अलग है। क्रिस्टल क्लियर है? नेक्स्ट, लाइंग फ्लेट और सिटिंग में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेन एक्सपीरियंस इन, सोने से, सिटिंग से और फ्लैट सोने से में इंक्रीज, फ्लेट या सिटिंग से इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेन एक्सपीरियंस इन कौन सी कंडीशन में जो पेन होता है वो बढ़ जाता है, सिटिंग पोजीशन में या फ्लैट सोने से? गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस, सिरोसिस या अपेंडिसाइटिस?
डियर स्टूडेंट पुट योर करेक्ट आंसर भैया, सोच समझ के जवाब देना गज्जू, सवाल को बहुत ध्यान से करना, और अगेन योर राइट आंसर विल बी द अपेंडिसाइटिस, फिर से हमारा आंसर होगा बेटा अपेंडिसाइटिस, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिटोनाइटिस इज कॉमनली कॉज्ड बाय, आगे की क्लिनिकल कंडीशन देखो बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेरिटोनाइटिस इज मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है, फीकल ऑब्स्ट्रक्शन, अपेंडिक्स रप्चर, कॉलन कैंसर या साइट्स, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज यू विल पुट इन योर एग्जाम। रितु थैंक यू बेटा, हाय रितु थैंक यू। तो याद रखना मैंने सवाल पूछा आपसे कि पेरिटोनाइटिस इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय, क्लियर, पेरिटोनाइटिस मोस्ट कॉमनली क्यों होता है, क्या कारण है। बच्चों पेरिटोनाइटिस सबसे ज्यादा उन पेशेंट्स को होता है जिनकी अपेंडिक्स फट जाती है, रप्चर हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर है। तो पेरिटोनाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है बच्चों, क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, नॉन स्टॉप सही दे रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। तमराज किलविस बेटा, अपेंडिक्स रप्चर हो जाने से पेरिटोनाइटिस होता है, ध्यान रखेगा ना, पिटाई तो नहीं खाएगा, क्लियर। अरे भाई बोलो बब्बर शेरो, बात समझ में आ गई ना, क्रिस्टल क्लियर है क्या। बोलो भाई, ओके यहां तक पैक कर दिया जाए, क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यानी कि आपको जवाब देना है बी ऑप्शन, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा आप, रिफ्लेक्स ऑफ स्टोमक एसिड इज नॉन एस, स्टोमक के एसिड का बैकफ्लो करना या रिफ्लेक्स करना क्या कहलाता है, पुट योर करेक्ट आंसर बेटा, ड्यूडेनल इसोफेजियल रिफ्लेक्स, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स, हेपेटो इसोफेजियल या कोलोनो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अरे लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया भाई और सवाल आ गया बिल्कुल लॉलीपॉप, हर कोई इसका जवाब दे देगा, और इसे हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी कि GERD, क्लियर है बेटा, इसको GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, साइन ऑफ द गैस्ट्रिक हेमरेज में इंक्लूड एक्सेप्ट, बच्चों आपको बताना है कि गैस्ट्रिक हेमरेज का कौन सा साइन नहीं है, ब्राइट रेड ब्लड इन द नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, टैकीकार्डिया, ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर और ब्रेडीकार्डिया। पुट द करेक्ट आंसर गाइस, इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नॉर्सेट एग्जाम में जब डेली एम्स पेपर बनाता है तो क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है, ये क्लास देख के आप समझ जाओगे बेटा। मैंने कहा कि गैस्ट्रिक हेमरेज हो रहा है, अब आपको बताना है कि कौन सा गैस्ट्रिक हेमरेज का साइन नहीं है। तो जब कभी भी हेमरेज होगा, शाबाश वेरी गुड, तो जब कभी भी हेमरेज होगा तो गैस्ट्रिक सक्शन अगर अपन करते हैं NG सक्शन, तो उसमें ब्राइट रेड ब्लड बाहर आएगा। जब कभी भी ब्लड लॉस होगा दोस्तों, तो बीपी घटेगा, और जैसे ही बीपी घटेगा तो भैया हार्ट रेट बढ़ेगी ना कि घटेगी, क्लियर हो गया ना पूरा कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर है। यदि अगर गैस्ट्रिक हेमरेज हो रहा है बच्चों, और हमसे यही तो कह रहा था गैस्ट्रिक हेमरेज हो रहा है, स्टोमक में ब्लीडिंग हो रहा है अल्सर के कारण, तो गैस्ट्रिक हेमरेज हो रहा है तो NG सक्शन करेंगे तो उसमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड आएगा, और जैसे ही ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, बीपी घटेगा, और बीपी घटेगा तो पेरीफेरल सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हमारी हार्ट की रेट बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो अब देख लीजिएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट है, टैकीकार्डिया भी होगा, बीपी घटेगा, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिया था आपको जो नहीं होगा, और वो है ब्रेडीकार्डिया, यानी कि एक्सेप्ट का क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, क्लियर हो गया है ना, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, और इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा। हाँ सेव रहेंगी यूट्यूब पर, ठीक है यार, मेरे साथ प्रॉब्लम एक ये थी
मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको बहुत मेहनत से खुद प्रिपेयर करता हूँ, जैसे आज ये सारे क्वेश्चन मेरे खुद के बनाए हुए हैं बेटा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी गाइड में, किताब में, बुक में होता है, कहीं नहीं होता है। और पूरा रात और दिन एक करके एक एक सवाल बनाया जाता है, और जब कोई उसको चुराता है ना, और चुरा के ये कहता है ना कि हमने ये मैंने बनाया ये, ऐसा कहता है ना, और मैं सुनता हूँ ना बेटा वो चीज़ें, ये मैंने बनाया है क्या, ऐसे कहते हैं ना लोग, तो यहाँ पे आग लग जाती है, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं, क्योंकि ये मान के चलो ना कि खून पसीने की मेहनत है बेटा। टीचर के पास क्या है, उसकी नॉलेज उसका हथियार है, उसका कंटेंट उसका हथियार है। और अगर जब कोई बिना मेहनत के, मेरी 10 साल की मेहनत है यार, नर्सिंग को 10 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तब जाकर के बच्चों आज ये कंटेंट आपके लिए डिलीवर करता हूँ। हर एग्जाम को एग्जाम से पहले ये पूरा एनालाइज करके और जज कर लेता हूँ कि ये एग्जाम कैसा होगा। और बेटा जब कंटेंट्स चोरी होते हैं ना, मतलब अननेसेसरी जब कोई लोग उसका मिसयूज करते हैं ना, मैं आपसे, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो मैं हर कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जब पता चला ना कि यार जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ ना, वो तो उसका यूज कम कर रहा है, लेकिन जिसके लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो जब किसी चीज का, जैसे मेरी वीडियोस पे अभी प्रेजेंटली 2,500-3,000 से ज्यादा बच्चे नहीं देख रहे हैं, राइट? तो 2,500-3,000 बच्चे देख रहे हैं, अब ये मान के चलो कि जिसके लिए अभी कम से कम 50,000 बच्चे इस वीडियो को देखना चाहिए भाई। ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लासेस हैं, ये कोई हल्की क्लासेस तो है नहीं, बहुत रिफाइंड क्वेश्चन से, एवरीथिंग इज वेरी एक्सीलेंट। और चैलेंज करता हूं कि कोई अगर बेहतर टीचिंग कर ले, साउसर से बेहतर टीचिंग अगर कोई कर ले, तो ये मार्कर नीचे रख दूंगा बेटा। अगर बेहतर MSN पढ़ा दे या बेहतर एग्जाम बिठा दे, तो मैं रख दूंगा मार्कर। तो बच्चों 10 ईयर्स का मेहनत है, और जब कोई चुरा के और जब इसका मिसयूज करता है ना, तो यहाँ इमोशंस दुखते हैं, दर्द होता है, और मुझे महसूस होता है कि यार जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं दो ही लोगों के लिए काम कर रहा था, मेरे स्टूडेंट्स के लिए और जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते या जो इतना टाइम नहीं है कि कोचिंग्स में ज्वाइन नहीं कर सकते, बड़े बड़े कोर्सेज नहीं ले सकते हैं। केवल हमारे पास टाइम भी नहीं था इतना, केवल 20 डेज का टाइम था, तो 20 डेज में अपन को प्लान करना था एग्जाम। तो ये सारी चीजें जब मैंने देखी ना, तो मुझे बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ। आपको क्या पता, आप तो पूछने भी नहीं आए कि सर क्या हुआ, राइट? लेकिन मुझे हुआ, क्लियर? और फिर मैं उस चीज से बहुत ही परेशान हुआ, मैंने रात भर बैठ के भी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राइट? तो फिर मैंने एक ही डिसीजन लिया कि जिसको पढ़ना होगा वो मेरी ऐप के अंदर कोर्स ज्वाइन कर लेगा, राइट? इतनी सी कॉस्ट में कोर्स दे रखा है मैंने पूरा, जो बहुत कम कॉस्ट में है, अंडरस्टैंड? और जितना भी हम यूट्यूब पर कर रहे हैं, उसको कुछ टाइम के बाद में रिमूव करूंगा ही करूंगा बेटा, ये पक्की बात है, अंडरस्टैंड? मैं कोई ऐसा कॉन्टेंट्स यूट्यूब के ऊपर नहीं रखूंगा जो कि मतलब लोग मिसयूज करें, अंडरस्टैंड? बहुत मेहनत से बनाया जाता है, आप नहीं समझोगे इस चीज को, लेकिन हम समझते हैं, अंडरस्टैंड बेटा? टीचर हूँ, टीचर की दो ही चीजें, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसकी नॉलेज, और दूसरा उसका कॉन्टेंट। और कॉन्टेंट्स आई कांट बियर दिस। क्लियर हो गया है बेटा? तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अजय कुमार, लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। एम्स रायपुर से आप मुझे प्यार कर रहे हो, आई सेलेक्ट फ्रॉम कम्बाइंड एम्स, एंड ऑल क्रेडिट गिवन टू अशोक साहू सर, थैंक यू, और सजेस्ट टू ऑल ज्वाइन विद वुगली, बेस्ट। अजय बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बेटा तेरा, बहुत धन्यवाद। और तू आज तो नर्सिंग एम्स के रायपुर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बना है, लेकिन आगे मैं तुझे SNO बनते हुए देखना चाहता हूँ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि आप बहुत आगे बढ़ें। और मैं सारे मेरे बच्चों को यही दुआ करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि बहुत आगे बढ़ें और एक्सीलेंसी को ज्वाइन करें, एक्सीलेंसी के साथ आगे बढ़ें। क्लियर है बेटा? इमोशनल कर दिया तुम लोगों ने, अब बस इतनी बारी है कि आंसू नहीं आया आंखों से, बाकी सब हो गया, लेकिन ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ बस उसको करते चलो। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात का विचार मत करो, बस तुम्हें एग्जाम निकलवा दूंगा कैसे भी करके, लेकिन मुझे भी सेफ रहना है, राइट? दोनों चीजें हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे भी सेफ रहना है। क्लियर है बच्चों? मेरी सेफ्टी का भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मुझे पानी में डुबा दो
और तुम नैया पार कर लो, ये गलत बात है। ऐसा अपन किसी के साथ नहीं करेंगे कि साहू सर को पानी में डुबा दें और हम नैया पार कर लें। हमें हाथ पकड़ के चलना है, मतलब आपका सिलेक्शन का भी ध्यान रखना है, लेकिन साहू सर का कॉन्टेंट्स जो है उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गया बेटा? तो चलिएगा आगे बढ़ता हूं। तो मैंने ये क्वेश्चन कहा था आपसे कि गैस्ट्रिक हेमरेज का सवाल था, और गैस्ट्रिक हेमरेज में मैंने बोला बेटा कि गैस्ट्रिक हेमरेज हो रहा है, स्टोमक में ब्लीड हो रहा है, और स्टोमक में ब्लीड हो रहा है तो वी अंडरस्टैंड दैट कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में से सक्शन करोगे अगर तो ब्राइट रेड कलर का ब्लड आएगा। तो ये फाइंडिंग बिल्कुल करेक्ट है। और जब ब्लीड हो रहा है तो हाइपोटेंशन होगा, बीपी घटेगा हाइपोवोलेमिया की वजह से, और पेरिफेरल में हाइपोवोलेमिया अगर हो जाएगा ना बेटा तो इसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो बढ़ेगा। तो हमारे सही ऑप्शंस क्या क्या हैं? टैकीकार्डिया हो रहा होगा, हार्ट रेट बढ़ रही होगी, ड्रॉप इन द बीपी, बीपी घटा होगा, लेकिन क्या नहीं हो रहा होगा? ब्रेडीकार्डिया नहीं हो रहा होगा। और क्वेश्चन था बेटा एक्सेप्ट वाला, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिक्रीज इंट्रिंसिक फैक्टर कॉजेज अ रिडक्शन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ। बच्चों यदि इंट्रिंसिक फैक्टर की मात्रा कम हो जाए तो कौन से विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है? पुट द राइट आंसर कि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए तो कौन सा विटामिन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है? बेटा शाबाश, और विटामिन B12 इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ये तभी जाके एब्जॉर्ब होता है जब इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर आप जानते हो कहाँ रिलीज होता है बेटा, कहाँ से सीक्रेट होता है? स्टोमक की पेरिएटल सेल से। स्टोमक की कौन सी सेल्स? पेरिएटल सेल्स, और ये पेरिएटल सेल्स रिलीज करती है बच्चों इंट्रिंसिक फैक्टर, और इसी सेल से HCL का भी सिक्रेशन होता है। तो जो स्टोमक के अंदर पेरिएटल सेल्स होती है बेटा वो पेरिएटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो क्या करता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। और विटामिन B12 की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर? तो विटामिन B12 RBC के मैच्योरेशन के लिए आवश्यक होता है। मींस यदि B12 का कमी होता है तो RBC का मैच्योरेशन प्रॉपर नहीं होगा। और सो वी अंडरस्टैंड दैट द डी ऑप्शन राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज द डायग्नोस विद द डाइवर्टिकुलोसिस बाय एज। लगभग कितनी उम्र होते होते 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन डाइवर्टिकुलोसिस से अफेक्ट हो जाती है। तो डाइवर्टिकुलोसिस जो होता है इससे कितनी परसेंट पॉपुलेशन कितनी एज में अफेक्ट हो जाती है? 30, 50 और 75 और 85, कितनी? लगभग 2/3, यानी 2/3 पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। 2/3 पॉपुलेशन लगभग एक उम्र में आते आते डाइवर्टिकुलोसिस से अफेक्टेड हो जाती है। वो एज बतानी है आपको, और इसकी सही एज है बेटा 85 ईयर, 75 नहीं है। आप इंडिया के हिसाब से ना सोचें, अंडरस्टैंड, जो आपको इंटरनेशनल तरीके से सोचना है। तो इंटरनेशनली इसकी जो एज होती है 85 ईयर, 85 में आते 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 लगभग 2/3 पॉपुलेशन को डाइवर्टिकुलोसिस हो जाता है। क्रिस्टल क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। डाइट हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्टिकुला। दोस्तों कौन सी डाइट है जो डाइवर्टिकुला डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? विच डाइट इज हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्टिकुला? विच डाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? पुट द राइट आंसर। कौन सा डाइट रिस्पॉन्सिबल होता है? किस तरह का डाइट अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो इंटेस्टाइन के अंदर डाइवर्टिकुलास डेवलप हो जाते हैं? लो फाइबर, लो लिपिड, लो कैलोरी, या ऑल ऑफ द अबो? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और वन ऑफ द ओनली राइट आंसर इज दैट द लो फाइबर। क्या है बेटा? लो फाइबर। इफ अ पर्सन इज कंज्यूमिंग द लो फाइबर डाइट देन हैव द ससेप्टिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गैस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अंडरस्टैंड? तो एकमात्र काफी सिंपल डाइट वाला न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आपको याद करने के लिए बोलूंगा, केवल एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन यही है। और ये अगर मैं डाइवर्टिकुला पूछूं या आपसे कोई भी डिसऑर्डर पूछूं ज्यादातर,
तो बेटा जीआईटी के केसेस में ज्यादातर जीआईटी की गैस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर डेवलप्ड ड्यू टू द इंजेशन या कंजप्शन ऑफ द लो फाइबर डाइट्स एंड सो द व्हाट इज राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन. क्रिस्टल क्लियर है बेटा. नेक्स्ट, चेंज इन द बोवेल हैबिट. पेशेंट का बोवेल हैबिट, बोवेल पैटर्न जो है वो बदला हुआ है. एनोरेक्सिया हो रहा है, लो ग्रेड फीवर भी है और एपिसोडिक डल और स्टेडी मिड एब्डोमिनल पेन हो रहा है. कहाँ हो रहा है? मिड एब्डोमिनल. पॉइंट को समझना ध्यान से. आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ, किसके साइन सिम्टम्स हैं बेटा ये? डाइवर्टिकुलाइटिस, कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज या अपेंडिसाइटिस के? क्वेश्चन इस बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. एसटीडी और मिड एपिगैस्ट्रिक पेन है तो बेटा आपको बताना है कि किसका दर्द है. थैंक यू सुनील, थैंक यू. देखो बेटा, अगर पेशेंट को ये कंडीशन जो है इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और समझ के चले आप कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे. मिड एब्डोमिनल पेन हो रहा है पहली बात तो, मिड एब्डोमिनल पेन के साथ ही पेशेंट को एनोरेक्सिया हो जाएगा बेटा, और इन्फेक्शन है तो फीवर आएगा, लो ग्रेड फीवर. क्लियर है? और जो ये मिड एपिगैस्ट्रिक पेन होता है ना, ये कैसा होता है बेटा? या तो एपिसोडिक होता है और या फिर एसटीडी होता है. अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया है? पेशेंट का जो बॉवल हैबिट्स है वो भी डिस्टर्ब रहेगा. तो बॉवल हैबिट्स ऑल्सो गॉट डिस्टर्ब्ड, बॉवल हैबिट्स भी डिस्टर्ब है. तो चार बातें आप देखें, और अगर इस तरह की फाइंडिंग किसी भी पर्सन के अंदर आपको नजर आती है तो उसको क्या हो रहा है बेटा? कॉलन में आउट पाउचिंग बना हुआ है, और कॉलन के अंदर आउट पाउचिंग बनना कहलाता है डाइवर्टिकुलाइटिस. क्या हो जाता है इसमें? फीकल मटेरियल आउट पाउचिंग के अंदर फीकल मटेरियल जाकर के फंस जाता है और दैट विल प्रोड्यूस द इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देता है, तो इसे कहते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस. यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों को करेक्ट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अ पेशेंट हॉस्पिटलाइज फॉर द एक्यूट निमोनिया और हैज अ 10 ईयर हिस्ट्री ऑफ द क्रोनिक लंग्स डिजीज. ये मान के चलो कि आपको ये निमोनिया का क्वेश्चन जो है वो 100% मिलेगा. हॉस्पिटलाइज फॉर एक्यूट निमोनिया, हैज 10 ईयर हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक लंग्स डिजीज. 10 साल से उसको लंग्स डिजीज भी है. कैन नॉट क्लियर हर रेस्पिरेटरी सिक्रेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर फेरिंग्स इवन विद द कफिंग. Which suctioning intervention is appropriate? Which suctioning intervention is appropriate? आपको real feel आ जाएगा बेटा Norset का आज की क्लास के अंदर. Understand? Oropharyngeal, nasopharyngeal, endotracheal और tracheal. Question को ध्यान से समझें और फिर जवाब दीजिएगा. 10 साल से chronic lungs disease है, pneumonia का patient है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन जो पोस्टीरियर फेरिंजियल एरिया में हो रहे हैं क्लियर नहीं कर पा रहा है. कफिंग हो रहा है. विच सक्शनिंग इंटरवेंशन इज इंपॉर्टेंट तो आपको बताना है. तो बच्चों यदि अगर ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसा कहता है कि ये जो पेशेंट है ये पोस्टीरियर फेरिंजियल सिक्रेशंस को क्लियर नहीं कर पा रहा है तो हमसे कहे अगर कि विच सक्शनिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कफिंग भी हो रहा है, रेस्पिरेटरी क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी है, क्रोनिक लंग्स डिजीज भी है, तो क्रोनिक लंग्स डिजीज भी है, पोस्टीरियर फेरिंग के सिक्रेशंस भी है, कफिंग भी है, अगर ऐसा है तो फिर आपको बेस्ट इंटरवेंशन अगर कहूं मैं विच इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट तो ओरोफेरेंजियल आपको करना होगा. क्या करना होगा बेटा? ओरोफेरेंजियल को हम प्रेफर करेंगे क्योंकि पोस्टीरियर फेरिंग्स के सिक्रेशन हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं. ऐसी कंडीशन में नेसोफेरिंग्स को अवॉइड करें. और कौन से टाइप से सक्शन करेंगे आप? ओरोफेरेंजियल. यानी वन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा? ट्रैकियल भी नहीं करेंगे, ओरोफेरिंजियल नहीं करेंगे, एंडोट्रेकियल भी नहीं करेंगे. अंडरस्टैंड? नेजो भी नहीं करेंगे, केवल करेंगे ओरोफेरिंजियल. क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा? क्वेश्चन को लॉक कर दिया जाए ना. अंडरस्टैंड ना? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं. अ पेशेंट नीड बोथ द ट्रेकिया एंड द ओरल फेरिंग्स सक्शन्ड.
पेसेंट को आपको ट्रेकिया को और ओरल फेरिंग्स दोनों को सक्शन करना है. इन विच ऑर्डर शुड द नर्व सक्शन दीज एंड वाई, प्लेस इन द करेक्ट ऑर्डर. आपको किस प्रकार से सक्शन करेंगे, ध्यान रखना नोज और ओरल नहीं है, नोज और ओरल नहीं है बेटा, ट्रेकिया और ओरल है. आप जो जानते थे, आप जो जानते हो ना, वो ये जानते हो कि नोज और ओरल ये दोनों में से पहले किसको सक्शन करते हैं, तो आप वो जानते हैं. मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं दोनों ओरल के केस में पूछ रहा हूं कि आपको ट्रेकिया और ओरल दोनों सक्शन करना है तो कैसे करेंगे आप. सक्शन द ओरल केविटी लास्ट में, सक्शन द ओरल केविटी फर्स्ट, सक्शन द नेजोट्रेकियल फर्स्ट, सक्शन द नेजोट्रेकियल लास्ट. और जितनी ताकत आपको लगानी है लगा दीजिए आप. हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर अलग जाएगा, अपने हर क्वेश्चन का आंसर अलग ही जाएगा ये मान के चलो आप. और अपने क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने याद कर लिए तो 100% नॉर्सेट भी अलग ही जाएगा, नॉर्सेट भी हवा में उड़ता ही जाएगा, मतलब तुम इसे ही फोड़ दोगे उसको, पक्की बात है. याद रखना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर ऐसे केस में क्या याद रखना है आपको कि सक्शन द नेजोट्रेकियली फर्स्ट, सबसे पहले नेजोट्रेकियल सक्शन करेंगे. क्या करेंगे बेटा, सक्शन द नेजोट्रेकियल फर्स्ट, अंडरस्टैंड, नेजोट्रेकियल आपको सबसे पहला सक्शन करना है. देन आफ्टर यू विल डू द सक्शन द ओरल केविटी लास्ट. तो फर्स्ट आपका एक्शन होगा नेजोट्रेकियल, देन उसके बाद ओरल केविटी जो है वो सेकेंड आंसर जाएगा. क्लियर हो गया है ना, सक्शन द ओरल केविटी लास्ट, सक्शन द नेजोट्रेकियल फर्स्ट. अंडरस्टैंड बेटा, क्लियर हो गया है, अंडरस्टैंड. तो याद रखना मुझसे ये कहा था कि प्लेस द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर बताना था कि फर्स्ट में क्या करोगे और फिर लास्ट में क्या करोगे. तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा बेटा सी ऑप्शन. क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, विच रेडियो ओपेक लिक्विड इज यूज इन बेरियम स्वालो और बेरियम मील इन्वेस्टिगेशन. यार मैं कौन सा क्वेश्चन ऐसा बताऊं आपको जिसपे स्टार नहीं लगा सकता, ऐसा कौन सा क्वेश्चन बताऊं जिसपे स्टार नहीं लगा सकता, मेरा हाथ रुकता ही नहीं है ना. अब देखो आप, क्या आप इस क्वेश्चन को देख के ये कह सकते हो कि पेपर बहुत लेंदी आया, नहीं कह सकते हो ना. आप यही कहोगे कि पेपर बहुत सिंपल आया लेकिन मैंने उन चीजों को कभी पढ़ा ही नहीं जो एग्जाम में आती है. आपने जो पढ़ा है ना उसमें थोड़ा सा ये चीजें ऐड कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा. तो भैया मैंने कहा कि आपको नहीं पता बेरियम सल्फेट क्या यूज करते हैं. जब कभी भी बच्चों किसी भी क्लाइंट का आप बेरियम मील और बेरियम एनिमा अगर आप करना चाहते हो तो क्या यूज करना है, बेरियम सल्फेट, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा. क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश. नेक्स्ट, व्हाट आर द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट की करेक्ट प्रॉपर्टीज बताओ आप, कौन सी करेक्ट प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या है बेरियम के गुण. पहला गुण है सॉर इन द टेस्ट, ऑर्डरलेस, नॉर ग्रेन्युलर, नॉन ग्रेन्युलर, वाटर सोल्यूबल या जेल लाइक प्रोडक्ट. आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेरियम सल्फेट के बारे में सही बातें क्या क्या है. बेटा याद रखना, नहीं याद है तो ध्यान दो, बेरियम सल्फेट के बारे में केवल दो ही बातें याद रखना कि ये ऑर्डरलेस होता है, नॉन ग्रेन्युलर होता है. क्लियर है, वाटर सोल्यूबल ये नहीं होता है, जेल लाइक भी नहीं होता है. अंडरस्टैंड, रेडियो ओपेक है. तो ओनली टू ऑप्शन आपको टिक करना होगा इस MRQ क्वेश्चन के अंदर, मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर.
क्या क्या ऑर्डरलेस और नॉन ग्रेन्यूलर, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन आर ओनली द राइट आंसर्स। क्रिस्टल क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बेरियम सल्फेट सस्पेंशन, सस्पेंशन आपको ओरली देना है फॉर द रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हाइपोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा मैंने? बेटा इसको क्या कहा जाता है? जब हम बेरियम सल्फेट सस्पेंशन का यूज करके ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करके और हाइपोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो इसको हम कहते हैं बेटा बेरियम स्वलो। क्या कहा जाता है? बेरियम स्वलो, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेरियम सल्फेट सस्पेंशन फॉर रेडियोग्राफिक स्टडी ऑफ द अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड, किसका? अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करके, बेरियम सल्फेट का ओरल सस्पेंशन एडमिनिस्टर करके रेडियोग्राफिक स्टडी करना क्या कहलाता है? बेरियम स्वलो, मील, एनिमा या कोलोनोस्कोपी? शाबाश, वेरी गुड, ग्रेट, सही चल रहे हो बेटा। इसको कहते हैं मेरे बच्चों बेरियम मील। क्या कहा जाता है? बेरियम मील, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर है बेटा? शाबाश, अपर जीआईटी के लिए बेरियम मील। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, द टैबलेट प्रोवाइडेड विद द बेरियम सस्पेंशन, अब टैबलेट आ गया, पहले ओरल सस्पेंशन यूज कर रहे थे, बेरियम सस्पेंशन इन द बेरियम स्टडी एग्जामिनेशन रिलीज्ड विच गैस टू प्रोड्यूस द डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। और लगा लो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने कई एग्जाम में देखा भी होगा इस क्वेश्चन को, डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट लाने के लिए जो बेरियम की टैबलेट दी जाती है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? सवाल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट, सही जा रहे हो, नॉर्सेट निकलेगा ही निकलेगा, पक्की बात है, मुझे तो पूरा भरोसा हो रहा है, तुम लोगों को भी हो रहा होगा, तुम लोगों को अपने आप पे भरोसा है ना, मुझे तो पूर्ण भरोसा हो गया तुम्हारे ऊपर कि तुम फोड़ के आओगे इस बार तो पक्का। तो बच्चों याद रखना भैया, क्या बोला मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस रिलीज होती है, जो टैबलेट्स अपन यूज करते हैं ना, ये टैबलेट्स क्या रिलीज करती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है? डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट जनरेट कर देती है। डी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे के, आगे बढ़े, लगभग अपने 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन कर लिए बेटा आपने, क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं, अब पूरे आज करीब 500 क्वेश्चन करना है अपन को, कितना भी टाइम हो जाए। नेक्स्ट, कंटिन्यू इन्फ्यूजन मेथड ऑफ बेरियम स्टडी इज यूज्ड टू एग्जामिनेशन, बेरियम का कंटिन्यू इन्फ्यूजन मेथड कब अप्लाई करते हो, कौन सी स्टडी में यूज करते हो? क्वेश्चन पे लगा दो भैया स्टार, बेरियम का कंटिन्यू इन्फ्यूजन मेथड बेरियम की कौन सी स्टडी में यूज किया जाता है? हाइपोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स में, अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में? बताइए कौन सा स्टडी आप करेंगे जब बेरियम का कंटिन्यू इन्फ्यूजन मेथड काम में लेते हो बेटा। कंटिन्यू इन्फ्यूजन, मैंने पहले बेरियम का ओरल यूज बताया आपको टेबलेट फॉर्म में, राइट, सस्पेंशन फॉर्म में,
फिर मैंने बेरियम का आपको टेबलेट फॉर्म में यूज बताया, अंडरस्टैंड बेटा। अब मैं आपसे कह रहा हूं इन्फ्यूजन कब करोगे बेरियम का, ध्यान से करो यार। बेरियम का इन्फ्यूजन शुरू किया जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की रेडियोलॉजिकल स्टडी के लिए। किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा एरिया है बेटा गट का, जीआईटी का, जिसको नीचे से भी अप्रोच नहीं कर सकते आप डायरेक्टली टेबलेट वेबलेट के द्वारा, और ऊपर से भी अप्रोच नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। तो जस्ट द स्मॉल इंटेस्टाइनल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन आर डन बाई एडमिनिस्ट्रिंग द बेरियम सल्फेट इन्फ्यूजन, अंडरस्टैंड बेटा। क्रिस्टल क्लियर हो गया है? सी ऑप्शन राइट आंसर। पेपर लेंदी नहीं है, पेपर सिंपल है। हाउ मेनी अमाउंट, अब आपको बताना है हाउ मेनी अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट सस्पेंशन इज यूज्ड फॉर कंटिन्यू इन्फ्यूजन मेथड। बेरियम के कंटिन्यू इन्फ्यूजन मेथड में बेरियम का कितना सस्पेंशन यूज करते हैं? 100 से 200, 200 से 400, 400 से 500, 500 से 1000, कितना यूज किया जाता है? अमाउंट बताना है बेटा। और हम जानते हैं कंटिन्यू इन्फ्यूजन मेथड जो है वो यूज करते हैं कब? डिटेल्ड स्टडी ऑफ, डिटेल्ड स्टडी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिटेल्ड रेडियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए आप कंटिन्यू इन्फ्यूजन मेथड काम में लेते हो बेरियम सल्फेट का। कितना सॉल्यूशन यूज करते हैं? तो अमाउंट होता है बेटा डी ऑप्शन, यानी कि 500 से 1000। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये क्वेश्चंस पहली बार पढ़ रहे हैं और जिन्होंने पूरी किताबें भी सोल्व कर रखी है, पूरी गाइड सोल्व कर रखी हैं, लेकिन ये जो सवाल मैं करवा रहा हूं ये फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं? या फिर दोबारा देखने का मौका केवल एग्जाम में मिलेगा? शाबाश, वेरी गुड। मतलब किसी ने नहीं देखे? वेरी गुड, शाबाश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। गूगली पे पढ़ रखे हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं, पूरा लिखना, कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ही नॉर्सेट देंगे? हाथ खड़ा करें, लिखना, फर्स्ट टाइम लिखो। कितने पर्सन्स ऐसे हैं अभी इस क्लास के अंदर जो फर्स्ट टाइम नॉर्सेट एक्सपीरियंस करेंगे? और दूसरी कैटेगरी वाले वो लोगों से पूछ रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एम्स में हैं और अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, किसी और एम्स में जाना चाहते हैं, अंडरस्टैंड? सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, अच्छा, मतलब ओवरऑल मिक्सिंग है, जो जॉब स्विच करने वाले हैं वो भी हैं और फर्स्ट एक्सपीरियंस वाले भी काफी हैं। शाबाश। जैसे सुनिधि, पूजा, आप सेकंड टाइम दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। 2020 में क्वालिफाइड हो आप देवेंद्र। सर ये मिनी एम्स है, सर ये मिनी एम से जो वुगली ले रहा है साथ में सोल कर रहा है, शाबाश शाबाश। अच्छा, वुगली मिनी एम से बड़ी सुंदर बात कहते हो आप। भूपेंद्र, गिनती नहीं है सर कितनी बार दे दिया। हाँ, वेरी गुड सर, मेरे तो आपका फुल कोर्स भी लिया हुआ है, शाबाश। चेतन यादव, थैंक यू बेटा, सेकंड टाइम है सर, अभी फर्स्ट टाइम क्रैक नहीं हुआ था, वेरी गुड। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है यार, आप लोगों से बात करके तो बड़ा मजा आता है।
काफी नई चीजें पता चलती है आपके बारे में, तो उससे क्या होता है ना कि एग्जाम को समझाना मेरे लिए और ज्यादा आसान बन जाता है, क्योंकि जितना आप भाई मैं उसी पे काम करूँ ना कि यार जनता क्या कहती है, जिस हिसाब से जनता की आवश्यकता है उस हिसाब से काम करो, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस तरह का लेवल उसका है, अगर एक बार ये पूरा सिनेरियो समझ में आ जाता है ना तो फिर समझाना और पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन नॉन स्टॉप जनता के सवाल को जाने बिना, उसके मन की बात को जाने बिना अगर आप नॉन स्टॉप कुछ भी कर रहे हैं तो मीन समझें कि आप सही नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? शाबाश, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन विद मी, थैंक यू, लव यू ऑल माई डियर गूगलियंस, थैंक यू। तो मैंने कहा बेटा कितना, अगर कंटिन्यू इन्फ्यूजन मेथड से आप अगर बैरियम सल्फेट देते हो तो 500 से लेकर के 1000 ml आपको यूज करना होता है, डी ऑप्शन लगाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब आप इसोफेजियल डिस्प्लेसमेंट इज इन्वेस्टिगेटेड बाय, अब देखो इसोफेगस का अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बेटा तो इसोफेजियल डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, बेरियम स्वेलो, मील, एनिमा या नन? पुट द करेक्ट आंसर गाइस। इसोफेजियल डिस्प्लेसमेंट को किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट करोगे? डिस्प्लेसमेंट को जानने के लिए बच्चों आपको केवल मात्र क्या करना है, अरे भाई बोलो बब्बर शेरों, बेरियम स्वेलो करना होगा। मील मत लगाओ यार, एनिमा भी नहीं आएगा, क्या आएगा, केवल बेरियम स्वेलो इज द राइट आंसर, वन ऑप्शन इज द करेक्ट। तो याद रहेगा ना आप कि अगर इसोफेजियल डिस्प्लेसमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूं तो क्या करना होगा, केवल मात्र बेरियम स्वेलो। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जेजुनल और इलियल सिस्ट और एब्सेस, अब देखो अब जवाब दो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेजुनल सिस्ट, इलियल सिस्ट या फिर एब्सेस को किससे इन्वेस्टिगेट करोगे, बैरियम स्वालो से, मील से या एनिमा से, किससे करते हैं बेटा, कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे जेजुनल या इलियल सिस्ट को? अब देखना आप जो गलती करोगे, आप जो गलती करोगे, अगर यार तुम बात कर रहे हो, गलत जवाब क्यों दे रहे हो तुम लोग? मैंने कहा कि भैया ये है पूरा आपका जीआईटी, अब यदि अगर आप एनिमा देते हो, ये ड्यूडेनम है और ये जेजुनम है, ये स्टोमक है, आप इतना जानते हो, अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर आप बेरियम स्वेलो दोगे तो बेरियम स्वेलो तो केवल यहां तक की बात को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अगर आपने बेरियम मील दिया तो बेरियम मील क्या यहां तक पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा भैया। अगर एनिमा दोगे, आप एनिमा दोगे बेटा, बेरियम एनिमा, सॉरी बेरियम मील की बात करूंगा, अभी बेरियम एनिमा की बात करूं, बेरियम एनिमा अगर आप दोगे तो क्या एनिमा यहां से ड्यूटी जेजुनम तक आ जाएगा, नहीं आ पाएगा यार, तो आपको क्या प्रेफर करना पड़ेगा, बेरियम मील देना पड़ेगा बेटा, खाना देना पड़ेगा बेरियम मिला करके, ताकि वो पूरा ही एब्जॉर्प्शन होता हुआ चला जाए और हम इजी गोइंग में पेशेंट के पूरे ड्यूडेनल एरिया को डिटेल में स्टडी कर सकें। तो क्या करना पड़ेगा, बेरियम मील देना पड़ेगा, खाने में मिला के जहर देना पड़ेगा, गधो जहर मत दे देना, ठीक है ना, कि वरना साउसर ने कहा कि खाने में मिला के जहर देना, अरे खाने में मिला के बेरियम देना है, इसलिए इसको क्या कहा, बेरियम मील, ठीक है बेटा, मरवा दो वरना मुझे जेल करवा दो तुम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डाइट आर इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट बिफोर बेरियम स्टडी, बच्चों बेरियम स्टडी से पहले पेशेंट को कौन सी डाइट देनी चाहिए, बेरियम स्टडी से पहले पेशेंट्स को कौन सी डाइट देनी चाहिए, ताकि क्लियरली हम बढ़िया स्टडी कर सकें, हाई रेजिड्यू, लो पोटेशियम, लो रेजिड्यू या हाई पोटेशियम, कौन सा डाइट दिया जाता है बेटा? और काफी सिंपल है, जीआईटी में कभी भी आपसे क्वेश्चन करें तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी डाइट हम देंगे जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट या अपशिष्ट पदार्थ कम बचे,
रेजिड्यू नहीं बचे। रेजिड्यू का मतलब मैंने कहा खाया पिया और पचाया। क्या कहा बेटा मैंने? खाया पिया पचाया। पचाया तो जो डाइजेस्ट हो गया वो, अंडरस्टैंड, खाया पिया पचाया डाइजेस्ट हो गया। तो डाइजेस्ट हो गया तो क्या बन गए भैया? न्यूट्रिएंट्स बन गए हैं। अरे क्या बन गए गज्जू? ध्यान से समझ बेटा यार, न्यूट्रिएंट बन गए। न्यूट्रिएंट बन गए जिन्होंने बना दिया बेटा एटीपी। और गज्जू दौड़ने लगा, भागने लगा, खेलने लगा, कूदने लगा, नॉरसेट की तैयारी करने लगा, उछल कूद करने लगा, बुगली पढ़ने लगा, बहुत कुछ करने लगा। क्लियर है? तो ये तो इधर हो गया। लेकिन जो पचा नहीं, अरे जो पचा नहीं मतलब इधर इकट्ठा हो गया और इधर इकट्ठा हो गया बेटा, उसको बाहर फेंक देती है बॉडी, तो उसको कहते हैं स्टूल। क्या कहते हैं? स्टूल। बाहर निकल गया। तो मैंने कहा कि भैया जितना खाया पिया पचाया, पचाया तो एनर्जी बनी, एटीपी बनी, और जो नहीं पचा वो खाद बना, बाहर निकल गया, उसको क्या कहा? स्टूल कहा। मैंने आपसे कहा कि अब आपको ऐसी डाइट देनी है जिसमें ये वाला पार्ट कम से कम बचे, रेजिड्यू बहुत कम बचना चाहिए, ये कम से कम बने। ऐसी डाइट्स हमें देनी होती है अगर बेरियम स्टडी करना है। तो बेरियम स्टडी अगर आप करना चाहते हो बच्चों, तो पेशेंट को कौन सी डाइट स्टार्ट करवा देना कुछ दिन पहले से? तो कौन सी डाइट? लो रेजिड्यू। क्रिस्टल क्लियर है भैया? नेक्स्ट, बिफोर हाउ मेनी टाइम अ क्लाइंट नीड टू मेंटेन एनपीओ फॉर बेरियम स्टडी? अगर बेरियम स्टडी करना है आपको तो कितने समय पहले उसको एनपीओ करना पड़ता है, बताओ? 3 से 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, केवल मिडनाइट, और एनपीओ की जरूरत ही नहीं है। वेरी एक्सीलेंट भैया, लगा लेना गज्जू इस पे 7 स्टार। वैसे तो कोई क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूं आज जिसपे स्टार ना लगे, राइट? स्टार तो हर क्वेश्चन पे लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत जबरदस्त है सारे, और आपको रियल फील भी आ रहा होगा कि आप एम्स डेली ही दे रहे हो। यस और नो बेटा? तो कब इस पेशेंट को आप एनपीओ करोगे या करोगे भी या नहीं करोगे, जरूरत नहीं है। तो बेटा याद रखना, जब भी अपन बेरियम स्टडी करते हैं तो केवल ओनली मिडनाइट से आपको इसे एनपीओ करना चाहिए, पहले ज्यादा जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, व्हाट आर द करेक्ट रिगार्डिंग द पेशेंट प्रिपरेशन फॉर बेरियम स्टडी, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट, बेरियम स्टडी से संबंधित कौन कौन से ऑप्शन सही है, एमआरक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से करना। एक भी गलत कर दिया, एक भी ज्यादा कर दिया तो भी गलत मानूंगा, और एक भी कम टिक कर दिया तो भी गलत मानूंगा। तभी सही मानूंगा जब जितने सही है बस उतने ही सही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलो अब टिक करो जल्दी से, देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। बताइए, मैंने कहा कि बेरियम स्टडी से संबंधित स्टेटमेंट्स पहचानने हैं आपको, कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। टू थ्री फोर, वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब आंसर दे रहे हो भैया, ग्रेट, बहुत सुंदर आंसरिंग कर रहे हो बेटा, बहुत सही जा रहे हो। तो याद रखना बेटा, पहला ऑप्शन देखता हूं, सजेस्ट टू हैव सम रीडिंग मटेरियल एज द प्रोसीजर टेक 1 to 2 hours। ऐसी कोई जरूरत नहीं है भैया कि प्रोसीजर में 1-2 घंटे का समय लगेगा और इसलिए कुछ उसके लिए रीडिंग वीडिंग का मटेरियल रखो। इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड स्मोकिंग इन द मॉर्निंग बिफोर टेस्ट, अगर वो बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसको बंद कर देना है मॉर्निंग में, बात सही है। एडमिनिस्टर लैक्सेटिव और एनिमा एज प्रेस्क्राइब प्राइड टू द टेस्ट, जरूरी है भैया, लैक्सेटिव और एनिमा देना है ताकि पूरा बोवेल जो है वो खाली हो जाए। हैव द क्लाइंट हिस्ट्री अबाउट एनी सेंसिटिविटी रिएक्शन और कीप द वैसोप्रेशन, याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर कर रहे हो तो भैया पहले पूछना बहुत कंपलसरी है कि किसी को आपको एलर्जी वगैरह तो नहीं है ना, एलर्जी साइन करवाते हैं, अंडरस्टैंड बच्चों? तो दैट इज ऑल्सो द रिक्वायर्ड ऑप्शन। और कीप द नथिंग बाय माउथ
फ्रॉम 48 आवर प्रायर टू द टेस्ट। अभी मैंने कहा था क्या ऐसी जरूरत है, क्या ऐसी जरूरत है आपको 48 आवर पहले एनपीओ करने की? बोलो भैया बोलो, क्या जरूरत है 48 आवर पहले एनपीओ करने की? अरे नहीं है यार, केवल हम एनपीओ कब करते थे बेटा, मिड नाइट एनपीओ करते हैं बेरियम स्टडी वाले को। 48 घंटे से एनपीओ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, याद रखना। डी ऑप्शन भी गलत है। तो केवल मात्र ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है बेटा? सेकेंड, थ्री और फोर ऑप्शन आर द राइट आंसर अबाउट द बेरियम स्टडी। लॉक कर दूं क्या भैया? क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ना बेटा? क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सीलेंट क्वेश्चंस। और याद रखना बच्चों कि जो क्वेश्चन अगर आप यहां सोल्व कर रहे हैं और वो अगर एम्स में मिल जाते हैं तो ठोको लाइक, ठोक दो फटाफट लाइक, जिसने लाइक नहीं ठोक रखा। और शेयर कर देना बेटा उन हर किसी नीडी और पुअर स्टूडेंट के साथ में जो वाकई एम्स की तैयारी करना चाहता है, कि असली एम्स भुगली में मिलेगा भैया। असली एम्स अगर पढ़ना है तो जाके देख एक बार साउसर की क्लास, समझ जाएगा असली एम्स क्या होता है। समझ में आ गई बात? चलो, टू प्रोड्यूस द डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे सवाल को नहीं पढ़ूंगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस सवाल को। डबल कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो टैबलेट अपन देते हैं बेरियम स्टडी में, वो टैबलेट क्या रिलीज करती है बेटा? CO2 रिलीज करती है। और अब जैसे ये दोबारा आया तो तुम्हें एक ही बार में जवाब आ गया ना, देखो यही एम्स के अंदर होगा बेटा, कि यहां एक बार जब तुम क्वेश्चंस को सीख लोगे, पढ़ लोगे, एक बार और देख लेना इस क्लास को दोबारा टाइम मिले तब, तो फिर उसके बाद एम्स में देखोगे तो यूं लगाओगे, यूं ऐसे लगाते हुए बढ़ जाओगे आगे। क्लियर हो गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं इसलिए इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बेरियम एनिमा इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट। याद रखना, अधूरा सवाल पढ़ा तो गलती होगा। कौन सी कंडीशंस में बेरियम स्टडी को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है? पोस्ट जीआई सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्टिक एलर्जी, सस्पेक्टेड लार्ज बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन या पैरालाइटिक इलियस। याद रखना बेटा, कौन सी कंडीशन में बेरियम स्टडी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? पुट द करेक्ट आंसर बब्बर शेरो। इन विच कंडीशन बेरियम स्टडी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ध्यान से करना क्वेश्चन को। एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को और ध्यान से सोल्व करो। क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्ट भी लगा हुआ है। कौन सी कंडीशन को छोड़ करके, क्या कहा मैंने, क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आएगा। कौन सी कंडीशंस को छोड़ करके बेरियम एनिमा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट? केवल पैरालाइटिक इलियस ऐसी कंडीशन है जिसको छोड़ दो तो बाकी इन तीनों कंडीशंस में बेरियम एनिमा नहीं कर सकते आप। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब समझ में आ गया, इसमें आप बेरियम स्टडी कर सकते हो पैरालाइटिक इलियस में, डी ऑप्शन। तो ये तीन ऐसी कंडीशंस दी है मैं जिन कंडीशंस में बेरियम एनिमा कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, नहीं किया जाता है। अंडरस्टैंड बेटा, क्लियर हो गया है ना? तो बेरियम एनिमा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पोस्ट जीआई सर्जरी, सर्जरी के बाद मत करना। हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्टिक एलर्जी है तो मत करना। सस्पेक्टेड लार्ज बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन है, अरे ऑब्स्ट्रक्शन है तो आगे कैसे बढ़ेगा आप जो बेरियम वगैरह दोगे, तो मत करना, केवल इस कंडीशन में कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो था ना वो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था बेटा, लैंग्वेज से गलत होता है आपका, अंडरस्टैंड। तो बेटा क्या आंसर देना है? डी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना? बढ़ू आगे? अरे भाई बोलो, यहां तक पैक कर दूं क्या, आगे बढ़े क्या? क्लियर है? बढ़ू आगे? बोलो यार। अरे बात समझ में आ गई ना, डी कैसे होगा? अभी क्या समझाया फिर मैंने विकास, बात क्या समझाई मैंने कि भैया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बेरियम एनिमा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इतना क्वेश्चन पढ़ो। एक्सेप्ट,
क्वेश्चन का मतलब हो गया कि बेरियम एनीमा कौन सी कंडीशन को छोड़ करके बाकी सब कंडीशंस में कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। तो जीआई सर्जरी के बाद कॉन्ट्राइंडिकेट होगा, एनाफाइलैक्टिक है तो कॉन्ट्राइंडिकेट होगा, अगर बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन है तो कॉन्ट्राइंडिकेट होगा, मत करना बेरियम एनीमा। क्लियर हो गया? केवल कौन से पेशेंट्स को कर सकते हो? तो पैरालिटिक एलियस वालों को कर सकते हो यार, तो मुझसे यही तो कह रहा था, कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है मतलब एक्सेप्ट। क्लियर है बेटा? तो याद रखना, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ओरल फ्लूड इज एनकरेज द पेशेंट विद इन 24 आवर आफ्टर बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा के बाद कितना फ्लूड पेशेंट को आप इंडिकेट करोगे? 1 से 2, 2 से 4, 5 से 6, 6 से 9। और नॉर्मल आपको अमाउंट बताना है बेटा, कितना अमाउंट बेरियम स्टडी के बाद, ताकि कॉन्ट्रास्ट जो यूज किया, रेडियोलॉजिकल जो सब्सटेंस यूज किया, वो बॉडी से एक्सक्रेट हो जाए। तो उसके बाद हम 5 to 6 liter वाटर कंजप्शन अलाउ करते हैं इसको। 24 घंटे में कितना पानी पीना है? लगभग 5 से 6 liter, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर करना है बेटा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, पेशेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर कोलोनोस्कोपी। एक पेशेंट को आप कोलोनोस्कोपी के लिए तैयार कर रहे हो, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज कंसिडर एज प्रायोरिटी? कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन आपका प्रायोरिटी होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वो क्वेश्चन से बेटा जो आप डायरेक्टली एग्जाम में देखोगे। पेशेंट को आप प्रिपेयर कर रहे हो कोलोनोस्कोपी के लिए, तो आपका कौन सा इंटरवेंशन सबसे प्रायोरिटी पे आप रखोगे? न्यूट्रिशन स्टेटस को, फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट को, एज को, या साइकोलॉजिकल स्टेटस को? किसको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखोगे बोलो? और वेरी गुड, शाबाश बच्चों। जब कोलोनोस्कोपी अगर हम पेशेंट की करने जा रहे हैं, तो हमें पता है कॉलन पूरी खाली करेंगे, अंडरस्टैंड? और कॉलन पूरी खाली करोगे ना, तो क्या डिस्टर्ब हो सकता है? पेशेंट का फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाता है, और इसलिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर मैं क्या रखूंगा? फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस को। क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अ पेशेंट प्रिपेयरिंग फॉर कोलोनोस्कोपी, आप पेशेंट को कोलोनोस्कोपी के लिए तैयार कर रहे हो, व्हाट आर द करेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन आपको करना है, कि क्या क्या करेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन होंगे अगर कोलोनोस्कोपी के लिए जब किसी को तैयार करते हैं, तो आइडेंटिफाई करके बताइएगा बेटा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो करेक्ट होंगे। एमआरक्यू क्वेश्चन है, और एमआरक्यू क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सोल्व करना होता है, कि पेशेंट ऑन द लो रेजिड्यू डाइट फॉर 1 week बिफोर प्रोसीजर, क्या करोगे आप? कौन कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं टिक करिएगा, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूं। रितु का आंसर आ गया है बेटा, शाबाश रितु, 2, 4, 5। रितु बहुत पढ़ने वाली लड़की है, ये पता है ना, बहुत पढ़ती है, बहुत मेहनत करती है बेचारी। हो जाएगा बेटा तेरा सिलेक्शन, डोंट माइंड। देखना बेटा आप करो, कीप द पेशेंट ऑन द लो रेजिड्यू डाइट फॉर 1 week बिफोर प्रोसीजर। ऐसी कोई जरूरत नहीं होती लो रेजिड्यू पर 1 week से रखेंगे। कीप एनपीओ फॉर 8 hours प्रायर टू द प्रोसीजर। जब कोलोनोस्कोपी करते हैं तो 8 घंटे पहले पेशेंट को एनपीओ करते हैं। सही आ गया सर ये। लैक्सेटिव 1 to 3 days बिफोर प्रोसीजर। प्रोसीजर के 2 से 3 दिन पहले बेटा लैक्सेटिव्स देना शुरू कर दो, बात सही है। क्लिनसिंग एनिमा एट द नाइट बिफोर द प्रोसीजर। जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं तो रात को हम क्लिनसिंग एनिमा देते हैं, जिससे पूरा बॉवेल जो है वो क्लियर हो जाए। करेक्ट हो गया ये भी। एडवाइज पेशेंट टू टेक द क्लियर फ्लूड्स। पेशेंट को क्लियर फ्लूड्स ही लेने के लिए सजेस्ट करो, इसके अलावा नहीं पीना है कुछ भी। क्लियर फ्लूड्स जैसे कि ग्लूकोज का पानी पी सकता है, कोकोनट का पानी पी सकता है भैया, अलोंग विद द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर। तो जिस दिन प्रोसीजर होना है उसको कहना क्लियर लिक्विड पी। क्लियर वर्ड बोलना बहुत जरूरी है,
ऐसा मत कह देना केवल लिक्विड पीना है। अगर ऐसा कह दिया, पता चला बाहर जाके शरबत की दुकान पे जाके बेटा बढ़िया शरबत पी रहा दिन भर से, तो पूरा बॉवेल जो है ना अंदर से वो रेडिश हो जाएगा, और जब हम कॉलोनोस्कोपी करेंगे तो उसका जो रीडिंग होगा वो फॉल्स होगा और आपको दिखेगा कि यार रेडनेस हो रहा, अल्सर हो रहे, तो ऐसा गलत होगा। अंडरस्टैंड बेटा? तो पूरा इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर है ये कि पेशेंट की जान ही नहीं निकलती है, सब हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो बड़े ध्यान से करना बेटा, सिग्मोइडोस्कोपी कॉलोनोस्कोपी वगैरह। तो कौन कौन से करेक्ट ऑप्शंस होंगे बेटा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आंसर्स आर द राइट। याद कर लेना कॉलोनोस्कोपी कैसे करते हैं। समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट, नर्सिंग ऑफिसर नीड टू प्रोवाइड द कोलोनिक वॉश यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट बिफोर कोलोनोस्कोपिक एग्जामिनेशन। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द कोलोनोस्कोपिक वॉश? दोस्तों, कोलोनोस्कोपिक वॉश के बारे में आपको करेक्ट बात बतानी है। कैसे करते हैं कोलोनोस्कोपी की वॉश, यानी कोलोनोस्कोपी करना है आपको पेशेंट की और उससे पहले कोलोनोस्कोपिक वॉश करना है, तो कोलोनोस्कोपिक वॉश का सही फॉर्मूला क्या है, किस तरह से किया जाता है, और लगा दो इस पे बेटा 7 स्टार दिल्ली एम्स, ये मान के चलो कि इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछेगा। क्या तरीका है कोलोनोस्कोपी वॉश करने का, कोलोनोस्कोपिक वॉश का करेक्ट मैनर आपको बताना है। बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सर जी, थैंक फॉर दिस जस्ट एफर्ट्स। थैंक यू बेटा ज्योति, थैंक यू। मोर क्वालिटी स्टडी, थैंक यू सो मच शेजल, थैंक यू। हाँ, पैगले गिवन 8 आवर बिफोर सचिन, थैंक यू बेटा। तो देखिएगा बेटा, जब मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम सल्फेट और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज डिसॉल्व्ड इन द 5 लीटर ऑफ वाटर और एडमिनिस्टर ऑन द प्रीवियस इवनिंग अराउंड द 9 PM, पहली बात, पैगलेग जानते हो ना आप, 2.5 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द डे ऑफ द टेस्ट बिटवीन 5 to 8 AM। दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है कि भैया सोडियम सल्फेट और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन होता है पैगलेक, पहली बात समझ में आ गई, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल और सोडियम सल्फेट दैट इज डिसॉल्व्ड इन 5 लीटर ऑफ वाटर। कितने पानी में घोलना है बच्चों? 5 लीटर में घोलना है पेशेंट को, कह देना। और एडमिनिस्टर ऑन द प्रीवियस इवनिंग, प्रीवियस इवनिंग को लगभग कितनी बजे? 9 PM, यहां से इसको शुरू कर देना है। दूसरी बात, 2.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ढाई तो ये हो गया, ढाई ये हो जाएगा, इज टू बी एडमिनिस्टर्ड ऑन द मॉर्निंग, सुबह लेना है ढाई, ऑफ द डे ऑफ द टेस्ट बिटवीन 5 to 8 AM। सुबह जांच होगी तो 5 से 8 के बीच में इसको 2.5 लीटर और यूज करना है। यानी कि बेटा ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आर द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर हो गया है क्वेश्चन? कैसे बॉवेल वॉश करवाते हैं, पैगले कैसे यूज करते हैं, दैट इज वेरी एक्सीलेंट और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मार्क कर लेना बेटा। अगला सवाल, करेक्ट पेशेंट पोजिशनिंग, पेशेंट पोजिशनिंग बताओ फॉर इंसर्शन ऑफ द कोलोनोस्कोप इनटू द रेक्टम। बेटा रेक्टम में कोलोनोस्कोप इंसर्ट करने का करेक्ट पोजिशन कौन सा है? वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। अरे इतना नहीं खरीदता है यार पेशेंट, 5 लीटर ही खरीद के लाता है, वो बोलता है मुझसे ज्यादा नहीं पीने में आता है, 5 लीटर ही बहुत हो जाता है, 7.5 लीटर तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब बताइएगा बेटा पेशेंट का करेक्ट पोजीशन कोलोनोस्कोपी के लिए, और वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप सोनू सुनील। लाए इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल में लेटाना है विद द लोअर लिम्ब फ्लेक्स एट द हिप और नी और बटॉक एट द टेबल एज। अंडरस्टैंड? पेशेंट को लेफ्ट लेटरल में लेटाया जाता है, किसमें? लेफ्ट लेटरल में लेटा करके लोअर लिम्ब को फ्लेक्स कर देना, कहां से? हिप से, नी से और बटॉक से, एंड देन एज ऑफ द टेबल।
इस तरह का पोजीशन होता है बेटा जो यूज करते हो आप कोलोनोस्कोपी करने के लिए। एनी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। भैया समझ में आ गई क्या बात? अरे पैक कर दूं ना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखना आप, अगला सवाल देखो। हो तुझ बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुझ बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। लेकिन अभी तो तुम्हारे दिन छोटे हो रहे होंगे, रातें भी छोटी हो रही हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत करनी है, टारगेट बहुत बड़ा है और लक्ष्य बहुत कठिन है और मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। राइट, शाबाश बेटा। क्या लॉक करूं इसमें? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पेशेंट प्रिपरेशन ड्यूरिंग कोलोनोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कोलोनोस्कोपी के दौरान पेशेंट की प्रिपरेशन के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है आपको। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक डीप स्लो ब्रीथ व्हाइल स्कोप इज बीन इंसर्टेड। जब हम कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं ना बेटा, उस समय पेशेंट प्रिपरेशन का जवाब देना है आपको। जवाब दीजिएगा चारों ऑप्शन देख करके भैया, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या सजेस्ट करोगे आप पेशेंट को? जल्दी करो भैया। बेटा केवल मात्र याद रखना, जब हम कोलोनोस्कोपी कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक द डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ के लिए सजेस्ट करेंगे अप्लाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ द हिप्स एज स्कोप पासेस। जब स्कोप पास हो जाएगा तो हिप्स पे प्रेशर लगाते हैं, हिप्स पे नहीं लगाते हैं बेटा। अप्लाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ एब्डोमेन एज स्कोप पासेस थ्रू द स्प्लेनिक फ्लेक्चर। जैसे आप जानते हो ना, ये कॉलन है और कॉलन में यहां पर तो होता है लीवर, तो इसको कहते हैं बेटा हेपेटिक फ्लेक्चर। क्या कहा जाता है? हेपेटिक फ्लेक्चर। और यहां स्प्लीन होता है तो इसको कहते हैं बेटा स्प्लेनिक फ्लेक्चर। क्या बोला जाता है? स्प्लेनिक फ्लेक्चर। तो जब आप यहां से स्कोप को घुसाओगे और ऐसे 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 करके जब ये स्प्लेनिक फ्लेक्चर को पास कर जाए ना, तो फिर आप इसके पेट पे प्रेशर लगाना शुरू कर देना। पासेस थ्रू द स्प्लेनिक फ्लेक्चर असेंडिंग कॉलन एंड सीकम, फिर प्रेशर लगाना ताकि आगे चला जाए। तो ये सही आएगा। मॉनिटर द वाइटल साइन कलर वार्म ड्राइनेस ऑफ स्किन। ये कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहना है। अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन था भैया एक्सेप्ट वाला, आपको बात समझनी थी। यानी क्या क्या सही है बेटा? केवल मात्र सेकंड ऑप्शन को छोड़ करके बाकी के सारे ऑप्शन सही है। धोखा कर दिया सर आपने तो। चोट कर दी ना। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। आफ्टर कोलोनोस्कोपी व्हाट इज द राइट वे टू मॉनिटर द वाइटल साइन। कोलोनोस्कोपी के बाद में मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करने का सही तरीका बताना है बेटा। बताइएगा कोलोनोस्कोपी के बाद वाइटल मॉनिटर करने का सही तरीका आपको पूछा गया है कि सही तरीका क्या होता है। पुट द राइट आंसर। कोलोनोस्कोपी के बाद में वाइटल्स मॉनिटर करने का सही तरीका क्या होता है? व्हाट इज द राइट वे टू मॉनिटर द वाइटल साइन। दो ऑप्शन सही है इसमें भी, ध्यान रखना आप। दो ऑप्शन सही आएंगे बेटा। पहला, एवरी 15 मिनट फॉर फर्स्ट 2 hour एंड देन एवरी 30 मिनट फॉर 2 hour। एवरी 30 मिनट फॉर फर्स्ट 2 hour और देन एवरी 60 मिनट फॉर 2 hour। बेटा सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जो अभी मैंने सोल्व करवाया, अब याद रखना आप कि एवरी 15 मिनट फॉर फर्स्ट आवर, पहले घंटे में तो आपको हर 15 मिनट में आपको मॉनिटर करना है, देन एवरी 30 मिनट फॉर द 2 hour। ये आपको वाइटल मॉनिटर करने का फ्रीक्वेंसी रखना है। अगर ये ऑप्शन में ना आए गलती से, पहला चॉइस आंसर तो ये देना है, लेकिन अगर ये गलती से ऑप्शन में नहीं मिले ना आपको, तो आपको दूसरी चॉइस भी बता रहा हूं। हर 30 मिनट में फर्स्ट 2 hour फर्स्ट आवर और देन एवरी 60 मिनट फॉर द 2 hour। क्लियर हो गया है?
तो सेकंड चॉइस लगा देना फिर आप, ठीक है बेटा। पहला चॉइस आंसर नहीं मिले तो फिर सेकंड चॉइस लगा देना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द नर्स असिस्टिंग विद द सिग्मोइडोस्कोपी, क्वेश्चन को पढ़ो और भैया जवाब दो, प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजिशन। सिग्मोइडोस्कोपी के लिए सही पोजिशन बताना है आपको। सिग्मोइड कोलोन को एग्जामाइन करेंगे और सिग्मोइड कोलोन को एग्जामाइन करने के लिए क्या सही पोजिशन होता है? बहुत ही पॉपुलर और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लगभग सबको आता है। शाबाश, सब जानते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी करने के लिए सिम्स या जेनु पेक्टोरल पोजीशन यूज करते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब करो आप, अब देखते हैं भैया। क्लाइंट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इज करेक्टेड बिफोर द कोलोनोस्कोपी, द क्लाइंट इज गिवन मॉडरेट सिडेशन यूजिंग द मेटजोलम हाइड्रोक्लोराइड ड्यूरिंग द कोलोनोस्कोपी एंड इन द इमीजिएट रिकवरी पीरियड फॉर विच पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेटजोलम हाइड्रोक्लोराइड, इज इट द एसेंशियल दैट द नर्स असेस द क्लाइंट क्लोजली, अनस्टेबल बीपी रिदम डिप्रेशन अल्टर्ड कॉन्सियसनेस। आपसे पूछ रहा हूं कि मेटजोलम का साइड इफेक्ट क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, जबकि आपने मेटजोलम यूज किया है बेटा किसके लिए? मेटजोलम यूज किया है आपने कोलोनोस्कोपी के केस में, तो कोलोनोस्कोपी में यदि मेटजोलम यूज किया, इसका साइड इफेक्ट आपको बताना है गाइस। क्वेश्चन इज वेरी एक्सीलेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और मेटजोलम क्या कर सकता था? अरे मेटजोलम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर सकता था बेटा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा दो भैया 7 स्टार। ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो कचरा, वो थर्ड क्लास चीजें नहीं आती है अब एग्जाम्स के अंदर। बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है पूरी दुनिया में जो दिल्ली एम्स के अंदर पूछे जाते हैं, और वो सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा मेरी क्लासेस के माध्यम से, आपको चिंता का विषय नहीं है। क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ये पढ़ना है, आप उस चीज से बहुत उसकी अप्रोच में पहुंच ही नहीं पाते हो जो वाकई में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद ये रखना है बेटा, अभी फोकस उन चीजों पे करना है जो हमारी अप्रोच से बाहर है, यानी कि वो चीजें हमें पढ़नी है। तो जो ऐसी चीजें हैं जो क्लिनिकल सिनेरियो से रिलेटेड है गाइस, और जो प्रैक्टिकल बेसिस के क्वेश्चन से वो ज्यादा पूछे जाते हैं। इमेजेस, कुछ नई इमेजेस होंगी, 5 से 7 इमेज नई आएंगी, अब वो नई अभी तो किसी के पास भी नहीं है। बाकी की जो इमेजेस है, प्रीवियस इमेजेस मैंने पूरा ले रखा है YouTube के ऊपर, 2 साल पहले इमेज बेस पढ़ा रखा है, OT पढ़ा रखा, ICU पढ़ा रखा, अनस्थेशिया पढ़ा रखा है, उसको खोल के देख लेना, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो वो बाकी 5-7 इमेज तो नई आएंगी आएंगी, वो कोई भी माइका लाल नहीं बता सकता आपको कि कौन सी आएंगी। बस आप याद रखो कि जो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं उस पैटर्न से प्रिपरेशन करो, आसान हो जाएगा। और EMI कोर्स अगर एक्टिवेट नहीं करा आपने अभी तक भी, तो आज कर लेना बेटा उसको, क्योंकि उससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। अब आप देख रहे हैं ना कि मैं जो कंटेंट प्रिपेयर करता हूं वो किस लेवल का होता है। तो मेरा आपसे सजेशन और अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है बेटा, कि अगर नॉर्सेट में आप वाकई अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, तो जो रिकॉर्डेड फुल कंटेंट मैंने EMI कोर्स के अंदर आपको दिया है केवल 1699 रुपए के अंदर, उस कोर्स से बेहतर कोर्स अभी तक दुनिया में नहीं बना बेटा। उसके अंदर ये जो कंटेंट मैं आपको यहां करवा रहा हूं, ये सारा कंटेंट सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया हुआ मिलेगा। और 15 दिन है आपके पास, 15 से 20 दिन का समय है, 15 दिन में पूरे कोर्स को PDF में से पढ़ डालो, और उसके जो टेस्ट हैं वो सारे कंप्लीटली देख डालो। बस तुम्हें तो यही करना है, मैं यहाँ सोल्व करवा ही रहा हूं जितना मैं करवा पाऊंगा, सारा सिलेबस कवर करूंगा वैसे तो नॉर्सेट तक। अब इसके बाद जो टाइम बचता है उसको वेस्ट मत करो बेटा, और उसका यूटिलाइजेशन करो, और जितने भी मैंने पढ़ा रखे हैं उसके अंदर वो सारा देख डालो, रीड कर दो अगर आप नहीं कर सकते तो।
मतलब जितनी वीडियो देख सकते हो देख लो, सारा कुछ कंटेंट है उसके अंदर, पूरे डिटेल क्लासेस भी है, क्रैश कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, जो कुछ तुम सोच सकते हो, मॉक टेस्ट भी है, सब है भैया। तो आपको क्या करना है कि आपको सारी जो क्लासेस हैं उसमें से वो देखना है जो आपको अच्छी लगती है, नहीं आता है, डिफिकल्ट लगता है। जैसे माना कि तुम शौक नहीं आता तुम्हें, तो शौक उठा के साहू सर का लेक्चर खोलो। तुम्हें माना कि आईबीडी नहीं आता है तो आईबीडी खोलो भैया। तुम्हें हर्निया नहीं आता है तो हर्निया खोलो। तुम्हें पेप्टिक अल्सर नहीं आता है तो पेप्टिक अल्सर का लेक्चर देखो। एक क्लास देख लेना, अंदाजा हो जाएगा तुम्हें कि साहू सर क्या चीजें, ठीक है बेटा, और किस तरह से एग्जाम में आते हैं। एग्जाम का बहुत मुझे मेरा रिजल्ट निकालना है भैया। मैं आपको इतने एफर्ट के साथ क्यों समझा रहा हूं, इतनी कोशिश आपको क्यों समझा रहा हूं, इतनी कोशिश करके मुझे मेरा रिजल्ट देना है और मुझे मेरा 100% रिजल्ट मेंटेन करना है, और उस रिजल्ट में आप भी शामिल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो गुडविल आपको यही दूंगा, गुड विशेस आपको यही दूंगा कि आपको मेरी जो बात है वो समझ में आ करके और तुरंत आप उस पर वर्क करना शुरू कर दो, ताकि आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकें और मैं आपकी मदद कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा कि मेरा रिजल्ट जो है वो इस नॉर्सेट के अंदर बहुत ही अच्छा गया है और मुझे अपना रिजल्ट मेंटेन करना है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये थी आप सबके लिए एक फ्री की एडवाइस। इस एडवाइस से आप अपने आप को बहुत बेहतर करके और इन 15 से 20 दिन में कुछ बेहतर कर सकते हो। कम से कम अगर सेलेक्ट भी नहीं हो गए ना तो 50% से ज्यादा स्कोर तो तुम कर ही लोगे, क्वालिफाइड तो हो ही जाओगे। और जो क्वालिफाइड भी अगर तुम हो गए ना बेटा, तो बाद में वेटिंग लिस्ट के अंदर आने के चांस रहते हैं। यानी कि अगर बीच में पूरे एक साल के अंदर अगर बीच में स्टाफ की जरूरत पड़ी एम्स को, तो उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है जो नॉर्सेट क्वालिफाई करके बैठे रहते हैं। समझ में आ गई बात? तो आपको कम से कम क्वालिफाइंग स्कोर तो अचीव करना ही है। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, बाकी मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो मैं आपके लिए कर रहा हूं ना, अगर ये भी तैयार कर लिया ना आपने, तो पक्का तुम नॉर्सेट रैंक से निकालोगे बेटा, केवल नीचे से नहीं, रैंक से निकाल दोगे। क्लियर है बेटा? तो चलिए नेक्स्ट बात करता हूं भैया। अ 60 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, बीन एक्सपीरियंस डिफिकल्ट सॉल्विंग द नर्स इन द एम्बुलेटरी सर्जरी डिपार्टमेंट शेड्यूल द क्लाइंट फॉर द इसोफेजोस्कोपी। अब देखो बेटा, कोलोनोस्कोपी के बाद इसोफेजोस्कोपी करोगे आप। विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिपरेशन नेसेसरी फॉर एन इसोफेजोस्कोपी। इसोफेजोस्कोपी के लिए किस तरह से पेशेंट को तैयार करते हैं बेटा, इस बारे में आपको सही प्रिपरेशन बताना है। तो चलिएगा, चार स्टेटमेंट देता हूं आपको और चारों को ध्यान से पढ़ करके सही आंसर पुट करिएगा। इसोफेजोस्कोपी के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, 60 ईयर का पर्सन है और इसे किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसोफेजोस्कोपी करना है तो व्हाट इज द करेक्ट प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। आपका पेशेंट अगर आपसे कह रहा है कि आई नीड टू अवॉइड द फूड एंड फ्लूड आफ्टर मिडनाइट बिफोर द टेस्ट, सी ऑप्शन राइट आंसर दिख रहा है सबको, हो गया भैया? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इसोफेजोस्कोपी रिवील्स दैट द क्लाइंट हैज द स्ट्रक्चर नियर द एंड ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस के पास में लगभग स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। टू हेल्प टू इंप्रूव द क्लाइंट एबिलिटी टू स्वालो विच रिकमेंडेशन मेड बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन उस पेशेंट के लिए जिस पेशेंट को इसोफेगस के नजदीक मसल्स में म्यूकोजा में स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। ईट अ वेराइटी ऑफ फूड कंटेनिंग अ थिकनर, थोरोली च्यू द एवरीथिंग दैट इज ईटन, अवॉइड ड्रिंकिंग बेवरेज वाइल ईटिंग अ मील और कंज्यूम अ फुल लिक्विड डाइट। व्हाट इज द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन by a nursing officer to a person that is going to be, that is having the strictures near to the esophagus. So guys, put the correct answer. Question is very, very most important, beta. बहुत important question है. Recommendation आपको बताना है. तो आप इस patient को ये कहोगे मेरे बब्बर शेरों कि भैया जो कुछ भी खाए ना उसको बहुत चबा के खाना. Thoroughly chew everything that is eaten.
वरना क्या होगा, स्ट्रिक्चर की वजह से ये ईसोफेगस में फंस जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, थोरोली च्यू एवरीथिंग दैट इज ईटन, दैट इज द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन बाय द नर्स। तो कौन सा सही निकला भैया? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट देखो, अब क्लाइंट अंडर गो ईसोफेजो ड्यूडेनोस्कोपी, द नर्स शुड प्लेस द हाइएस्ट प्रायोरिटी, आपको बताना है भैया हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑन विच आइटम एज पार्ट ऑफ द क्लाइंट्स केयर प्लान। ईसोफेजो ड्यूडेनोस्कोपी का पेशेंट है, आपको बताना है कि इस पेशेंट के लिए जब हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे होंगे तो उसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर किस चीज को रखेंगे, बताइए बेटा। क्वेश्चन को लगा दो और 7 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आप क्या रखोगे? और हमेशा हमें पता होता है कि जब कभी भी हम ईसोफेजो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी करते हैं बेटा, तो हमें क्या करना पड़ता है? अपर जीआई का एनेस्थेशिया करना पड़ता है, अपर जीआई एनेस्थेशिया, और यानी कि अपर जीआई यानी फेरिंजियल एरिया जो होता है वो एनेस्थेटाइज हो जाता है बेटा, और फेरिंजियल एरिया एनेस्थेटाइज हो जाएगा ना तो हम वेट करेंगे वापिस से किस चीज का? बॉवेल साउंड रिटर्न होने का। क्रिस्टल क्लियर है? तो जस्ट वी विल वेट फॉर द रिटर्निंग ऑफ बॉवेल साउंड्स। क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना? रिटर्न ऑफ द, अरे सॉरी, बॉवेल साउंड्स तो बेटा नीचे कोलोन के केस में करते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे? असेसिंग द क्लाइंट फॉर रिटर्निंग ऑफ द गैग रिफ्लेक्सेस। इससे पहले कुछ भी खाने पीने का मत देना, वरना क्या हो जाएगा? एस्पिरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एस्पिरेट कर जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर है? बोलो भाई बब्बर शेरो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी आपने किया, इज द विजुअलाइजेशन ऑफ, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी में कौन कौन से ऑर्गन्स का एंडोस्कोपी करते हैं जब उसको अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी कहते हैं, बताओ। क्वेश्चन इज वेरी एक्सीलेंट बेटा। अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी किसे कहते हैं? लगभग ये मान लो आप 50 क्वेश्चन कर चुके हो। आप कितने क्वेश्चन कर चुके हो आज? 50 क्वेश्चन कर चुके हो। प्रीमियम क्वेश्चन है पूरे, लगभग 50 प्रीमियम क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा यहां तक, और शाबाश। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी अपर जीआईटी का ईसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडेनम तक का एंडोस्कोपी होता है, यानी 1, 2 और 3, इसको कहते हैं बेटा अपर जीआईटी एंडोस्कोपी, समझ जाना। क्लियर है बेटा? इसे कहा जाता है अपर जीआईटी। अमाया शर्मा थैंक यू बेटा, अपर जीआई एंडोस्कोपी बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, एक फोटो दिया है आपको और इस फोटो को आइडेंटिफाई करके बताना है आपको कि ये क्या किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करके बताइएगा इसका। मैं एक तो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूंगा और दूसरा इमेज बेस्ड क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा बेटा, या तो वीडियो बेस आ जाएगा या इमेज बेस क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको बताना है इस इमेज को देख करके कि ये क्या किया जा रहा है। और सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अभी तो सोल्व करवाया आपने। तो ये जो किया जा रहा है, ये किया जा रहा है बेटा एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ अपर जीआईटी। अपर जीआईटी का एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं यार, सिंपल सी बात है। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन राइट है, सबने सही भी आंसर दिया है और बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द राइट पर्पस फॉर एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन का क्या पर्पस होता है दोस्तों? परफॉर्म बायोप्सी या साइटोलॉजिक स्टडी, रिमूव द पॉलिप और फॉरेन बॉडी, टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, टू ट्रीट द हाइटल हर्निया। व्हाट इज द करेक्ट पर्पस? इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही निकालना है आपको, है ना? एमआरक्यू करना है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही आ सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा।
कौन कौन से पर्पस सही हैं? ठीक है ना, या फिर मैं इस क्वेश्चन को बना सकता था एक्सेप्ट करके, ठीक है, एक्सेप्ट करके भी बना सकता था, लेकिन याद रखना बेटा बायोप्सी साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए भी यूज करते हैं, पॉलिप को रिमूव करने में भी यूज करते हैं, और कंट्रोल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। तो एक्सेप्ट अगर करता तो ये आंसर आ जाता, नहीं किया MRQ किया तो 1, 2, 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट, बिफोर एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन पेशेंट नीड टू कीप NPO, एंडोस्कोपी से पहले कितने समय पहले NPO करना होता है बताइए बेटा, कितने समय पहले आप NPO करेंगे एंडोस्कोपी के पहले? एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन से कितने समय पहले हमें NPO करना पड़ता है? और सही आंसर दे बेटा, सही आंसर होता है 8 से 12 घंटे, डी ऑप्शन राइट आंसर। एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के कितने समय, आपको बता ना दिल्ली MCC तरह की चीजें पूछता है, जानते तो हो कभी, पेपर देखना पुराना उठा के, क्लियर है, यही सवाल वहां पे देखने को मिलेंगे आपको। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे वो पूछता था कि नेजल कैनुला से कितनी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, कितनी लीटर फ्लोरेट रखते हैं, इस तरह के, रीब्रीदर से कितनी फ्लोरेट रखते हैं, इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा। जैसे एंडोस्कोपी से कितने समय पहले NPO करते हैं, ऐसे सवाल पूछता है वो, अंडरस्टैंड। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पेपर उसके आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस अभी आपको मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना एग्जाम के लिए, 8 से 12 घंटे आंसर देना है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन? एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको टिक करना है, मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही था, क्लियर है, तो चूज करो क्या क्या करेक्ट होंगे इसमें। वन टू फोर मिनट नहीं, लीटर है ना मोनिका, 1-4 लीटर नेजल कैनुला में प्रायोरिटी देनी है, 1-4 लीटर है ना। तो देखो बेटा, जब कभी भी अपन पेशेंट को तैयार कर रहे हो एंडोस्कोपी के लिए तो रिमूव द डेंचर पहला सही है, इंजेक्शन दें एट्रोपिन का ताकि सिक्रेशन रुक सके, सही है बात, स्प्रे द थ्रोट, थ्रोट में स्प्रे करना है आपको एनेस्थेसिया का, लोकल एनेस्थेसिया का, तभी तो मैंने कहा था ना गेग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं हो तब तक खाना पीना मत देना, ये भी सही है। एडमिनिस्टर आईवी सेडेटिव भी एडमिनिस्टर करना है अगर लिखा है तो, सही है बेटा। एडमिनिस्टर द कॉन्ट्रास्ट बेरियम सोल्यूशन नहीं करना है, ये बेरियम स्टडी में करते हैं एंडोस्कोपी में नहीं। पोजिशन द पेशेंट इन द राइट लेटरल पोजिशन में नहीं होता है बेटा, अंडरस्टैंड। तो केवल मात्र 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन आर द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर हो गया भैया, नेक्स्ट करो आप। विच इज द प्रेफर्ड पोजिशन ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी कौन सी पोजिशन में होता है, अब बताओ आप, सुपाइन, सिम, लेटरल, राइट लेटरल, कौन से पोजिशन में एंडोस्कोपी होता है? अभी मैंने आपसे कहा था ना ये वाला, सुपाइन में नहीं होगा बेटा, सुपाइन में नहीं होगा एंडोस्कोपी, सिम्स में भी नहीं होगा। एंडोस्कोपी किया जाता है बेटा लेफ्ट लेटरल में, कौन सी पोजीशन में एंडोस्कोपी होता है? लेफ्ट लेटरल में, 3 ऑप्शन राइट आंसर, क्लियर है। अभी मैंने यहाँ दिया था राइट लेटरल और गलत किया था इसको, थोड़ा सा अंदाजा हो ही जाता आपको, तो कब करते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, प्रेफर्ड पोजीशन होता है एंडोस्कोपी का लेफ्ट लेटरल, क्लियर हो गया बेटा, यानी 3rd ऑप्शन राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना बेटा। विच इज द प्रेफर्ड पोस्ट प्रोसीजर पोजीशन, अब आपको बताना है प्रेफर्ड पोस्ट प्रोसीजर पोजीशन आफ्टर एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के बाद का पोजीशन बताना है आपको, कि एंडोस्कोपी करने के बाद किस पोजीशन में हम प्रेफर करते हैं, सुपाइन, सिम्स, लेटरल और
राइट लेटरल, कौन सी पोजीशन प्रेफर किया जाता है एंडोस्कोपी के बाद, और एंडोस्कोपी के बाद सबसे ज्यादा प्रेफर्ड पोजीशन, और क्वेश्चन या तो वो वाला आएगा या ये वाला आएगा, दोनों में से एक मार्क कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इसके पहले वाला या ये वाला, दोनों में से मिल जाएगा एक क्वेश्चन आपको एंडोस्कोपी का। एंडोस्कोपी के बाद में बेटा सिम्स पोजीशन में रखना है पेशेंट को, आपको किसमें सिम्स पोजीशन में रखना है, बी ऑप्शन राइट आंसर है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड टू ईज द थ्रोट इरिटेशन। अब आपको पता है कि पेशेंट को जब एंडोस्कोपी करोगे आप, तो गले में जब एंडोस्कोप डालोगे मुंह से, तो उसका थ्रोट एरिया जो है वो इरिटेट हो चुका है। अब थ्रोट इरिटेशन को वापिस सही करने के लिए, ईज करने के लिए, एंड होर्सनेस हो जाता है इसको ट्रीट करने के लिए, एंडोस्कोपी के बाद कौन सा सॉल्यूशन आप प्रेस्क्राइब करोगे, हाइड्रोजन परोक्साइड, टेप वाटर, नॉर्मल सलाइन या 2% एल्कोहल, क्या प्रेफर करोगे बेटा? हाइड्रोजन परोक्साइड, अरे गधो कुछ तो याद रखो रे, तुमने नर्सिंग कर रखी है पूरी, हाइड्रोजन परोक्साइड से गार्गिल करवाओगे क्या? ये क्या है, गार्गलिंग के लिए कहना है इसको, गार्गलिंग, ताकि उसका जो गला है ना वो साफ हो सके वापस, गला साफ करने के लिए। तो गला साफ करने में हाइड्रोजन परोक्साइड मत पिलाना यार, मजाक मत कर, और नल के पानी वो पीता ही है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला, और ये भी मत पिलाना वरना नशा आ जाएगा उसको, पता चलेगा वो गार्गलिंग तो नहीं करेगा, नीचे निकल जाएगा ये तो बिल्कुल मत देना वरना गार्गलिंग तो नहीं करेगा, मजे लेना शुरू कर देगा नीचे ठीक है, तो क्या यूज करना, केवल एनएस, ठीक है बेटा ठीक है ना, एनएस यूज करना बस। कंप्लीट बेड रेस्ट इज रिक्वायर्ड आफ्टर एंडोस्कोपी, इट इज नेसेसरी फॉर, एंडोस्कोपी के बाद कितने समय तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है पेशेंट को, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बताइए बेटा, वरना ये एक ही गाना गाएगा, ओए नसीब में चढ़ गया है, नसीब में चढ़ गया है। एंडोस्कोपी के बाद में कितने घंटे तक बेड रेस्ट लिखा जाएगा बता दे भैया गज्जू, एंडोस्कोपी के बाद, अरे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, एंडोस्कोपी के बाद केवल 1 घंटा उसको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, फिर कह देना जा घर पे चला जा, ठीक है 1 घंटे में। नेक्स्ट, आफ्टर एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइटल साइन, एंडोस्कोपी के बाद में वाइटल मॉनिटर करने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर 15 मिनट, हर 30 मिनट, हर घंटे में, हर दिन में, यही तो दिल्ली एम्स पूछता है भैया, थोड़ा सा प्लान करके पढ़ गज्जू, समझ में आ रहा है ना, सही कंटेंट पढ़, बढ़िया पढ़, निकल जाएगा जिंदगी बन जाएगी ये मान के चल। हर 30 घंटे में आपको चेक करना है, हर 30 घंटे में, एंडोस्कोपी के बाद हर 30 घंटे में वाइटल चेक करते हैं अपन, ठीक है ना, की नोट्स बना लेना पूरे सारे, इसके की नोट्स बना लेना, की नोट्स बना करके याद कर लेना ढंग से, टाइम वेस्ट मत करना, अंडरस्टैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन है अंडरगो इन द फॉलोइंग इमेज, ये जो आप इमेज देख रहे हो इसमें कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, ब्रोंकोस्कोप हो रहा है, एंडोस्कोप हो रहा है, एंजियोग्राफ हो रहा है, गैस्ट्रिक लवाज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? बेटा याद रखना इसके अंदर अपन एंडोस्कोप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंडोस्कोपी, बी ऑप्शन राइट आंसर है, क्रिस्टल क्लियर हो गया है भैया। अब यहां से आएगा बेटा बायोप्सी, लीवर बायोप्सी, लीवर और रीनल बायोप्सी, दोनों तरह की बायोप्सी पढ़ाऊंगा मैं कल, कल लूंगा ये लेक्चर, ठीक है ना, यहां से अपन को गैस्ट्रो के 200 क्वेश्चन करना है और आज अपन कर चुके हैं 60 क्वेश्चन, ठीक है ना, आज 60 क्वेश्चन हो गए अपने, और अपन को 200 क्वेश्चन करना है, बाकी मैं कल और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे बब्बर शेरों, थैंक यू सो मच,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया। ये इतने क्वेश्चन अभी बच रहे हैं बेटा, ये सारे ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊंगा, सारे किल निकल के हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू माय डियर बुगलियंस, हर हर बुगली, घर घर बुगली। बुगली को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और ज्वाइन करें। यानी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अगर प्रिपरेशन करना है तो बुगली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट गिव यू एक्यूरेसी, दैट गिव यू द कॉस्टलेस कंटेंट टू यू, वर्थलेस कंटेंट। डियर स्टूडेंट इज वेरी वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। नसीम छिड़ गया है।